हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम जिस फिल्म के बारे में बात करने वाले हैं उसका नाम है बागी 2। दोस्तों, अगर आप इस फिल्म को YouTube पर देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप इस फिल्म को कौन से OTT चैनल पर देख सकते हैं, कौन से सैटेलाइट चैनल पर देख सकते हैं और कौन से YouTube चैनल पर आपको ऑफिशियली देखने को मिलेगी, इसके बारे में बात करने वाले हैं। इस फिल्म की पोस्ट प्रोडक्शन, प्री प्रोडक्शन, बजट, फिल्म के बारे में भी बात करेंगे। इस वीडियो में फिल्म का एक रिव्यू भी करेंगे, फिल्म की स्टोरी के बारे में भी बात करेंगे, फिल्म के स्टार कास्ट और सपोर्ट कास्ट के बारे में भी डिटेल देंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, बागी एक 2018 की हिंदी जबान की एक रोमांटिक मार्शल आर्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसकी हिदायतकारी अहमद खान ने की है। नाडिया वाला ग्रांड सेंड इंटरटेनमेंट के जरिए तैयार करदा ये बागी फिल्म सीरीज की दूसरी किस्त है, जो 2016 की फिल्म बागी का रूहानी स्क्वायर है और 2016 की तेलुगु फिल्म कशनम का रीमेक है। इसमें टाइगर श्रॉफ, देशा पडानी, मनोज वाजपेयी, दर्शन कुमार, प्रभु कुमार शामिल हैं, संदीप होडा, दीपक डोबरियाल और उरिया शर्मा भी इसमें मेन किरदार अदा करते हैं, आपको नजर आएंगे। और रणवीर नूरी प्रताप सिंह की कहानी सुनाता है एक हिंदुस्तानी फौजी अफसर जो गोवा में अपनी सबका गर्लफ्रेंड की 3 साल बेटी को अगवाकारों के जंगल से ढूंढने और बचाने के लिए निकला। अगस्त में फिल्म के लिए प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज 2017 और इसकी शूटिंग मुंबई, पुणे, शंघाई, गोवा, चीन, मनाली और थाईलैंड में की गई के बजट के साथ ख़त्म हुई। बाशमूल प्रिंट और प्रमोशन के अखराज US$7.4 मिलियन यानी कि 590 मिलियन का खर्चा आया। बागी 302 मार्च यानी कि जो खर्चा आया, बागी जो है ना 30 मार्च 2018 को दुनिया भर में रिलीज हुई, जिसमें हिंदुस्तान में 3500 स्क्रीन शामिल है। फिल्म ने दुनिया भर में 2.58 बिलियन से ज़्यादा की कमाई करके 2018 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक बन गई। गाइस, अगर इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उसका नाम है अहमद खान, इस फिल्म को जिसने राइट किया है उसका नाम अहमद खान है, शान यादव है, अब्बास है, इसके साथ नीरज कुमार मिश्रा भी है। स्टोरी भाई ओरिजिनल स्टोरी जो है वो अदिति सी की है, इसको फिर एडोप्ट स्टोरी साजिद नाडियावाला ने किया है। बेस्ड ऑन कशनाम 2016 और बाई रवि कत पीडू, प्रोड्यूस्ड बाय साजिद नाडियावाला, स्टेरिंग इसमें जो मेन किरदार अदा करेंगे अब आपको टाइगर श्रॉफ, देशा पटानी, मनोज भोवी, दर्शन कुमार, प्रीतिक बाबूर, प्रदीप होडा, दीपिका नोबरवाल, अरुवा शर्मा। अगर सिनेमाग्राफी की बात कर ली जाए तो सिनेमाग्राफी जिसने की है उनका नाम है संथाना कृष्णा, रविच दंदर, एडिट बाई रमेश्वर एस भगत, म्यूजिक बाई जूलिस पैकलिन, सॉन्ग मिथोन आरकू, संदीप शिरकौर, नेक्स्ट गौरव रोशन, प्रिया रिया, प्रोड्यूस कंपनी नाडियावाला ग्रैंड सन इंटरटेनमेंट। यहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको YouTube पे मूवी ये नहीं मिल रही देखने को तो आप यहाँ पर नाडियावाला ग्रैंड सन इंटरटेनमेंट सर्च करेंगे, फिर उसके अंदर सर्च बार में जाकर आपने ही बागी में सर्च करनी है तो ये मूवी आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। डिस्ट्रीब्यूट बाय फोक स्टार स्टूडियोज, यहाँ पर भी ये मूवी आपको देखने के लिए मिल सकती है। रिलीज इसकी डेट है 30 मार्च 2018। 137 मिनट की ये मूवी है, यानी कि ये 2 घंटे और 17 मिनट की ये मूवी है। इसकी जो स्टोरी की जो लेंथ है वो 2 घंटे और 17 मिनट की है। भारत में इसको रिलीज किया गया, हिंदी जबान में इसको रिलीज किया गया। दोस्तों,
इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 59 करोड़ की लागत आई, बट इसने बॉक्स ऑफिस में 258 करोड़ का कमाल का बिजनेस किया। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टारकास्ट और स्पॉटकास्ट की बात करें तो टाइगर श्रॉफ एज अ लेफ्टिनेंट कैप्टन रणवीर प्रताप सिंह के रोल में आपको नजर आएंगे, दिशा पटानी एज अ नेहा के रोल में आपको नजर आएंगी, मनोज बाजपाई एज अ करप्ट डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अजय शेरजिल, नेक्स्ट रणदीप हुड्डा एज अ एडिशनल कम्युनिकेशनर ऑफ पुलिस ऑफिसर लोहा सिघा सिंह धुल LSD, नेक्स्ट दर्शन कुमार एज अ शेखर कुमार के रोल में आपको नजर आएंगे, डोबरवाल एज अ उस्मान लनघाडा के रोल में आपको नजर आएंगे, प्रीतिक बाबू एज अ सन्नी कुमार के रोल में आपको नजर आएंगे, अरवाया शर्मा एज अ रिहा प्रताप सिंह के रोल में आपको नजर आएंगे, शुरविया भद्राज एज अ लोडिनेंट कोलेंट राजित सिंह वाला के रोल में आपको नजर आएंगे, विपिक शर्मा एज अ महिंद्रा रावत के रोल में आपको नजर आएंगे, सुनीत मोरिटी एज अ इंस्पेक्टर शर्ल्ड पुष्य अनीज एज अ स्कूल प्रिंसिपल के रोल में आपको नजर आएंगे, इन डेरियल भारती चारिया एज अ अनदीप तैगी, इश्वान कुशाल एज अ बुंगलू ओनर, जैकलीन एज अ मोहनी इन एटम सॉन्ग 1-2। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हमें यह देखने को मिलेगा कि नेहा एक शादीशुदा खातून की एक बेटी है रिया, जिससे वो बहुत प्यार करती है। रिया के स्कूल के पहले दिन नेहा पर निकाब पोश अफराद ने हमला किया, इसने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई ये कहते हुए कि लोग रिया को ले गए। पुलिस तफ्तीश करती है लेकिन कुछ पता नहीं चलता। इससे बेखौफ नेहा ने अपने साबिक बॉयफ्रेंड नवीर जो कि सिपाही है माजी में रूनी ने नेहा से इनके कॉलेज के ज़माने में मुलाकात की और पहली नज़र SF रूनी प्रताप सिंह से मदद तलब की, जो एक इंडियन आर्मी पैरा में ही उनसे प्यार हो गया था। कुछ अरसे बाद इसे भी रूनी से प्यार हो गया, दोनों ने शादी करने का फैसला किया। तमाम इसके वालिद मनिंद्रा को कैंसर की तशखीस हुई और मरने से पहले नेहा से दरख्वास्त की कि वो एक अमीर ताजर शेखर से शादी कर ले। मनिंद्र की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए नेहा ने रूनी से रोते हुए रिश्ता तोड़ दिया। इस वक्त रूनी एक खौफज़दा नेहा से मिलता है और इसकी मदद करने पर राजी होता है। रूनी अब भी नेहा से मोहब्बत करता है लेकिन इस हकीकत से वाकिफ है कि नेहा शादीशुदा है। वो थाने पहुँच गए जहाँ FIR मुसन्निफ इंस्पेक्टर शर्द ने नेहा के साथ बदतमीजी की। रूनी जवाबी कार्रवाई में इसे मारता है, एक ऐसी कार्रवाई जिससे वो गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन इसे जल्द ही DIG की दरख्वास्त पर रिहा कर दिया गया। अजय रूनी की कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रंजीत कॉनेज मिट रूनी को रंजीत ने आड़े अड्डे पर वापस बुला लिया, लेकिन एक मकामी जिस्मानी तौर पर मजदूर एजेंट उस्मान के साथ सफ़र करते हुए इसका जहन बदल जाता है, जिसकी इसने मदद की थी, और वो रिया के स्कूल जाता है। प्रिंसिपल ने स्कूल के हाथे में अगवा की किसी भी वारदात की तरदीद की। रूनी शेखर के भाई सनी से मिलता है जो एक मंशियात का आदि है और इसके पीछे एक इमारत में जाता है जहां इसे पता चलता है कि उस्मान मंशियात की फरोख्त में मुलव्वस है। इस अमल में रूनी दोनों लोगों से लड़ता और शिकस्त देता है। उस्मान से रिया के बारे में पूछता है लेकिन उस्मान को कुछ मालूम नहीं होता। दरअसल पुलिस कमिश्नर लोहा सिंह धोवाल LSD को इस केस की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शेखर रूनी से मिलता है और बताता है कि नेहा को पोस्ट ड्रोमेटिक स्ट्रेस 10 की तशीस हुई है थी और वो रिया की बेटी होने के बारे में खूब मचाने लगी थी, जबकि इसने ये भी कहा कि इसकी कोई बेटी नहीं है। रूनी ने
इस सीसीटीवी फुटेज चेक की और पता चलाया कि कार में नेहा के अलावा कोई और नहीं है। वो गुस्से से नेहा पर चीखता है, जो उसे जाने को कहती है। अभी जाने ही वाला है कि उसने दीवार पर ऊंचाई की पैमाइश देखी, जिससे यह जाहिर होता है कि रिया एक हकीकी बच्चा हो सकती है और इससे अपने पर शक होने लगता है। लेकिन इसमें बहुत देर हो चुकी है। जब नेहा ने ग्रिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली, बेबसी महसूस कर ली, क्योंकि कोई भी नहीं था इस पर यकीन किया जाता। आखिरकार उस्मान ने एतराफ़ किया कि जब वो रूनी को एक होटल में मिलने गया तो रिया को देखा था। इसने सनी को मनशात की तरसील के लिए बुलाया। जब इसने अपने आदमियों को रिया को आंखों पर पट्टी बांधकर एक अड्डे में ले जाते देखा, इसने उस्मान की माँ रखने के लिए रकम अदा की। वो एक बार में जाते हैं। रूनी ने सनी का पीछा किया, लेकिन LSD ने रूनी को पकड़ लिया, जिसे इसने होटल में इंतजार करने को कहा। पुलिस सनी से पूछ-गुछ करती है, लेकिन अजय ने इससे एक गर्मा गर्म लम्हे में गोली मारकर हला कर दिया। रूनी का कहना है कि इसके पास इस बात का सबूत है कि रिया जिंदा है, और वो उस्मान को अजय और LSD से मिलवाता है। अजय रूनी को अपने घर ले जाता है, इसे बताता है कि इसने अपने खानदान को एक हादसे में खो दिया है। इसी दौरान दो हमला आवरों ने उस्मान को बेदर्दी से मारा। रूनी वहां आता है, उस्मान को खून बह रहा होता है और दोनों हमला आवरों से लड़ता है। उस्मान जख्मों का ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। रूनी एक हमला आवर को फोन लेता है और अजय के घर में ले गई अपनी एक तस्वीर देखता है, जिससे अंदाजा होता है कि अजय ही मास्टरमाइंड है। वो अपने फौजी अड्डे पर जाता है, जंगल में बहुत से गुंडों से अकेले लड़ता है, खून बहते हुए हेलीकॉप्टरों को तबाह करता है। रूनी एक ऐसे शख्स को मार डालता है जिसने रिया के वालिद के तौर पर काम किया था, लेकिन अजय ने इसे गोली मार दी, जिसने इनकशाफ किया कि शेखर रिया के अगवा का जिम्मेदार है। शेखर ने रिया की तमाम तस्वीर और खिलौने जला दी। रूनी ने अजय को बेदर्दी से मारा, लेकिन जब अजय रूनी को मारने वाला है तो LSD ने अजय को गोली मारकर हला कर दिया। रूनी बेहोश होने से पहले रिया को देखता है। LSD बताता है कि शेखर जरासीम से पाक था, जिसने इससे ये सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया। इसका मतलब ये है कि रिया रूनी की बेटी है। रूनी को याद है जब नेहा ने इसे कहा कि इसे शेखर से शादी करनी है, इसने और नेहा ने मोहब्बत ख़त्म कर दी। आखिर में रूनी रिया को अपने घर ले जाता है और तसव्वुर करता है कि नेहा इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है, मुस्कुराते हुए वापस आ जाती है। तो यूँ इस फिल्म का इख्तिताम हो जाता है। यकीनन आपको ये मूवी पसंद आई होगी और इस मूवी ने बहुत अच्छा बिजनेस किया और स्टोरी भी अच्छी है, और वैसे भी हमने आपको एक मूवी सब स्टोरी बता दी। अगर आप 2.5 घंटे की मूवी देखेंगे, 2.5 घंटे के बाद आप सिर्फ स्टोरी ही जान पाएंगे। अगर आप ये हमारी 20 मिनट की या 15 मिनट की मूवी देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस फिल्म में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है, इस मूवी की स्टोरी क्या है। 8 बजे से हमने सब मालूम दे दी, लेकिन आप पसंद आई होगी। दोस्तों, बागी एक 2018 की हिंदी जबान की एक रोमांटिक मार्शल आर्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसकी हिदायतकारी अहमद खान ने की है। नाडिया वाला ग्रांड सेंट इंटरटेनमेंट के जरिए तैयार करदा ये बागी फिल्म सीरीज की दूसरी किस्त है, जो 2016 की फिल्म बागी का रूहानी स्क्वायर है। वो 2016 की तेलुगु फिल्म कशनम का रीमेक है। इसमें टाइगर श्रॉफ, देशा पडानी, मनोज वाजपेयी, दर्शन कुमार, प्रभु कुमार शामिल हैं। रणदीप हुड्डा, दीपक डोबरियाल और प्रिया शर्मा भी इसमें मेन किरदार अदा करते आपको नजर आएंगे। और रणवीर नूरी प्रताप सिंह की कहानी सुनाता है एक हिंदुस्तानी फौजी अफसर जो गोवा में अपनी सबका गर्लफ्रेंड की 3 साल बेटी को अगवाकारों के जंगल से ढूंढने और बचाने के लिए निकला। अगस्त में
फिल्म के लिए प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज 2017 और इसकी शूटिंग बम्बई, पुणे, शंघाई, गोवा, चीन, मनाली और थाईलैंड में की गई के बजट के साथ ख़त्म हुई। बशमूल प्रिंट और प्रमोशन के अखराज US$7.4 मिलियन यानी कि 590 मिलियन का खर्चा आया। बाकी 302 मार्च यानी कि जो खर्चा आया बाकी जो है ना 30 मार्च 2018 को दुनिया भर में रिलीज हुई, जिसमें हिंदुस्तान में 3500 स्क्रीन शामिल है। फिल्म ने दुनिया भर में 2.58 बिलियन से ज़्यादा की कमाई करके 2018 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक बन गई। गाइस, अगर इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उसका नाम है अहमद खान, इस फिल्म को जिसने राइट किया है उसका नाम अहमद खान है, शान यादव है, अब्बास है, इसके साथ नीरज कुमार मिश्रा भी है। स्टोरी भाई ओरिजिनल स्टोरी जो है वो आदित्य सी की है, इसको फिर एडोप्ट स्टोरी साजिद नाडियावाला ने किया है। बेस्ड ऑन कशनाम 2016 और बाय रवि कत पीडू, प्रोड्यूस्ड बाय साजिद नाडियावाला, स्टेरिंग इसमें जो मेन किरदार अदा करेंगे अब आपको टाइगर शरूफ, देशा पटानी, मनोज भोवी, दर्शन कुमार, प्रीतिक बाबूर, प्रदीप होडा, दीपिका नोबरवाल, अरुवा शर्मा। अगर सिनेमेटोग्राफी की बात कर ली जाए तो सिनेमेटोग्राफी जिसने की है उनका नाम है संथाना कृष्णा, रविच नंदर, एडिट बाय रमेश्वर एस भगत, म्यूजिक बाय जूलियस पैकलिन, सॉन्ग मिथुन आरकू, संदीप शिरकौर, नेक्स्ट गौरव रोशन, प्रिया लिया, प्रोड्यूस कंपनी नाडियावाला ग्रैंड सन इंटरटेनमेंट। यहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको यूट्यूब पे मूवी ये नहीं मिल रही देखने को तो आप यहाँ पर नाडियावाला ग्रैंड सन इंटरटेनमेंट सर्च करेंगे, फिर उसके अंदर सर्च बार में जाकर आपने ही बागी टू सर्च करनी है तो ये मूवी आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। डिस्ट्रीब्यूट बाय फोक्स स्टार स्टूडियोज, यहाँ पर भी ये मूवी आपको देखने के लिए मिल सकती है। रिलीज इसकी डेट है 30 मार्च 2018। 137 मिनट की ये मूवी है यानी कि ये 2 घंटे और 17 मिनट की ये मूवी है। इसकी जो स्टोरी की जो लेंथ है वो 2 घंटे और 17 मिनट की है। भारत में इसको रिलीज़ किया गया, हिंदी जबान में इसको रिलीज़ किया गया। दोस्तों इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 59 करोड़ की लागत आई, बट इसने बॉक्स ऑफिस में 258 करोड़ का कमाल का बिजनेस किया। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट और स्पोर्ट कास्ट की बात करें तो टाइगर श्रॉफ एज अ लेफ्टिनेंट कैप्टन रणवीर, प्रताप सिंह के रोल में आपको नजर आएंगे, दिशा पटानी एज अ नेहा के रोल में आपको नजर आएंगी, मनोज बाजपाई एज अ करप्ट डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अजय शेरजिल, नेक्स्ट रणदीप होडा एज अ एडिशनल कम्युनिकेशनर ऑफ पुलिस ऑफिसर लोहा, सिघा सिंह धुल LSD, नेक्स्ट दर्शन कुमार एज अ शेखर कुमार फिर में आपको नजर आएंगे, दोबरवाल एज अ उस्मान लनघाडा फिर के रोल में आपको नजर आएंगे, प्रीतिक बाबू एज अ सन्नी कुमार के रोल में आपको नजर आएंगे, अरवाया शर्मा एज अ रिहा प्रताप सिंह के रोल में आपको नजर आएंगे, शौर्या भद्राज एज अ लेफ्टिनेंट कोलेंट राजित सिंह वाला के रोल में आपको नजर आएंगे, विपिक शर्मा एज अ महेंद्रा रावत के रोल में आपको नजर आएंगे, सुनीत मोरिटी एज अ इंस्पेक्टर शॉल्ट, पुष्य अनीज एज अ स्कूल प्रिंसिपल के रोल में आपको नजर आएंगे, इंडेरियल भारती चारिया एज अ अनदीप तैगी, इशवान कुशाल एज अ बुंगलू ओनर, जैकलीन एज अ मोहनी,
इन एटम सॉन्ग एक दो। गाइस अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हमें यही देखने को मिलेगा कि नेहा एक शादीशुदा खातून की एक बेटी है रिया, जिससे वो बहुत प्यार करती है। रिया के स्कूल के पहले दिन नेहा पर निकाह पोश अफराद ने हमला किया। इसने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई ये कहते हुए कि लोग रिया को ले गए। पुलिस तफ्तीश करती है लेकिन कुछ पता नहीं चलता। इससे बेखौफ नेहा ने अपने साबिक बॉयफ्रेंड नवीर जो कि सिपाही है, माजी में रूनी ने नेहा से इनके कॉलेज के ज़माने में मुलाकात की थी और पहली नज़र एसएफ रूनी प्रताप सिंह से मदद तलब की, जो एक इंडियन आर्मी पैरा में ही उनसे प्यार हो गया था। कुछ अरसे बाद इसे भी रूनी से प्यार हो गया। दोनों ने शादी करने का फैसला किया। तब इसके वालिद मनिंद्रा को कैंसर की तशखीस हुई और मरने से पहले नेहा से दरख्वास्त की कि वो एक अमीर ताजर शेखर से शादी कर ले। मनिंदर की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए नेहा ने रूनी से रोते हुए रिश्ता तोड़ दिया। इस वक्त रूनी एक खौफज़दा नेहा से मिलता है और इसकी मदद करने पर राजी होता है। रूनी अब भी नेहा से मोहब्बत करता है लेकिन इस हकीकत से वाकिफ है कि नेहा शादीशुदा है। वो थाने पहुँच गए जहाँ FIR मुसनफ इंस्पेक्टर शरद ने नेहा के साथ बदतमीजी की। रूनी जवाबी कार्रवाई में इसे मारता है, एक ऐसी कार्रवाई जिससे वो गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन इसे जल्द ही DIG की दरख्वास्त पर रिहा कर दिया गया। अजय रूनी की कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रंजीत कॉनेज मिट रूनी को रंजीत ने आड़े अड्डे पर वापस बुला लिया, लेकिन एक मकामी जिस्मानी तौर पर मजदूर एजेंट उस्मान के साथ सफ़र करते हुए इसका जहन बदल जाता है, जिसकी इसने मदद की थी और वो रिया के स्कूल जाता है। प्रिंसिपल ने स्कूल के हादसे में अगवा की किसी भी वारदात की तरदीद की। रूनी शेखर के भाई सनी से मिलता है जो एक मंशियात का आदी है और इसके पीछे एक इमारत में जाता है जहां इसे पता चलता है कि उस्मान मंशियात की फरोख में मुलव्वस है। इस अमल में रूनी दोनों लोगों से लड़ता और शिकस्त देता है। उस्मान से रिया के बारे में पूछता है लेकिन उस्मान को कुछ मालूम नहीं होता। दरअसल पुलिस कमिश्नर लोहा सिंह धोवाल LSD को इस केस की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शेखर रूनी से मिलता है और बताता है कि नेहा को पोस्ट ड्रोमेटिक स्ट्रेस डस और की तशीस हुई है थी और वो रिया की बेटी होने के बारे में खूब मचाने लगी थी, जबकि इसने ये भी कहा कि इसकी कोई बेटी नहीं है। रूनी ने इस CCTV फुटेज चेक की और पता चलाया कि कार में नेहा के अलावा कोई और नहीं है। वो गुस्से से नेहा पर चीखता है जो उसे जाने को कहती है। अभी जाने ही वाला है कि उसने दीवार पर ऊंचाई की पैमाइश देखी, जिससे ये जाहिर होता है कि रिया एक हकीकी बच्चा हो सकती है और इससे अपने पर शक होने लगता है। लेकिन इसमें बहुत देर हो चुकी है। जब नेहा ने ग्रिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली, बेबसी महसूस कर ली क्योंकि कोई भी नहीं था इस पर यकीन किया जाता। आखिरकार उस्मान ने एतराफ किया कि जब वो रूनी को एक होटल में मिलने गया तो रिया को देखा था। इसने सनी को मंशात की तरसील के लिए बुलाया। जब इसने अपने आदमियों को रिया को आंखों पर पट्टी बांधकर एक अड्डे में ले जाते देखा, इसने उस्मान की मां रखने के लिए रकम अदा की। तो एक बार में जाते हैं, रूनी ने सनी का पीछा किया लेकिन LSD ने रूनी को पकड़ लिया, जिसे इसने होटल में इंतज़ार करने को कहा। पुलिस सनी से पूछ गुछ करती है लेकिन अजय ने इसे एक गर्मा गर्म लम्हे में गोली मारकर हला कर दिया। रूनी का कहना है कि इसके पास इस बात का सबूत है कि रिया जिंदा है और वो उस्मान को अजय और LSD से मिलवाता है। अजय रूनी को अपने घर ले जाता है, इसे बताता है कि इसने अपने ख़ानदान को एक हादसे में खो दिया है। इसी दौरान दो हमला आवरों ने उस्मान को बेदर्दी से मारा। रूनी वहां आता है, उस्मान को खून बह रहा होता है और दोनों हमला आवरों से लड़ता है।
उस्मान जख्मों का ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। रोनी एक हमला आवर को फूंद लेता है और अजय के घर में ले गई अपनी एक तस्वीर देखता है, जिससे अंदाजा होता है कि अजय ही मास्टरमाइंड है। वो अपने फौजी अड्डे पर जाता है, जंगल में बहुत से गुंडों से अकेले लड़ता है, खून बहते हुए हेलीकॉप्टरों को तबाह करता है। रोनी एक ऐसे शख्स को मार डालता है जिसने रिया के वालिद के तौर पर काम किया था, लेकिन अजय ने इसे गोली मार दी, जिसने इनकशाफ किया कि शेखर रिया के अगवा का जिम्मेदार है। शेखर ने रिया की तमाम तस्वीर और खिलौने जला दिए। रोनी ने अजय को बेदर्दी से मारा, लेकिन जब अजय रोनी को मारने वाला है तो LSD ने अजय को गोली मारकर हला कर दिया। रोनी बेहोश होने से पहले रिया को देखता है। LSD बताता है कि शेखर जरासीम से पाक था, जिसने इससे ये सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया। इसका मतलब ये है कि रिया रोनी की बेटी है। रोनी को याद है जब निहा ने इसे कहा कि इसे शेखर से शादी करनी है, इसने और निहा ने मोहब्बत ख़त्म कर दी। आखिर में रोनी रिया को अपने घर ले जाता है और तसव्वुर करता है कि निहा इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है, मुस्कुराते हुए वापस आ जाती। तो यूँ इस फिल्म का इख्तिताम हो जाता है। यकीनन आपको ये मूवी पसंद आई होगी और इस मूवी ने बहुत अच्छा बिजनेस किया और स्टोरी भी अच्छी है, और वैसे भी हमने आपको ए टू जी सब स्टोरी बता दी। अगर आप 2.5 घंटे की मूवी देखेंगे, 2.5 घंटे के बाद आप सिर्फ स्टोरी ही जान पाएंगे। अगर आप ये हमारी 20 मिनट की या 15 मिनट की मूवी देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस फिल्म में कौन क्या किरदार अदा कर रहे हैं, इस मूवी की स्टोरी क्या है। ए टू जी हमने सब मालूम दे दी, लेकिन आप पसंद आई होगी। दोस्तों, बागी एक 2018 की हिंदी जबान की एक रोमांटिक मार्शल आर्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसकी हिदायतकारी अहमद खान ने की है। नाडिया वाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के जरिए तैयार करदा ये बागी फिल्म सीरीज की दूसरी किस्त है। ये 2016 की फिल्म बागी का रूहानी स्क्वायर है और 2016 की तेलुगु फिल्म कशनम का रीमेक है। इसमें टाइगर श्रॉफ, देशा पडानी, मनोज वाजपेयी, दर्शन कुमार, प्रभु कुमार शामिल हैं। प्रदीप होडा, दीपक डोबरियाल और प्रिया शर्मा भी इसमें मेन किरदार अदा करते आपको नजर आए। और रणवीर नूरी प्रताप सिंह की कहानी सुनाता है। एक हिंदुस्तानी फौजी अफसर जो गोवा में अपनी सबका गर्लफ्रेंड की 3 साल बेटी को अगवाकारों के जंगल से ढूंढने और बचाने के लिए निकला। अगस्त में फिल्म के लिए प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज 2017 और इसकी शूटिंग मुंबई, पुणे, शंघाई, गोवा, चीन, मनाली और थाईलैंड में की गई के बजट के साथ ख़त्म हुई। बाशमूल प्रिंट और प्रमोशन के अखराजात US$7.4 मिलियन यानी कि 590 मिलियन का खर्चा आया। बागी 302 मार्च यानी कि जो खर्चा आया, बागी जो है ना 30 मार्च 2018 को दुनिया भर में रिलीज हुई, जिसमें हिंदुस्तान में 3500 स्क्रीन शामिल है। फिल्म ने दुनिया भर में 2.58 बिलियन से ज़्यादा की कमाई करके 2018 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक बन गई। गाइस, अगर इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उसका नाम है अहमद खान। इस फिल्म को जिसने राइट किया है उसका नाम अहमद खान है। शान यादव है, अब्बास है, इसके साथ नीरज कुमार मिश्रा भी हैं। स्टोरी भाई ओरिजिनल स्टोरी जो है वो अदिति सी की है। इसको फिर एडोप्ट स्टोरी साजिद नाडियावाला ने किया है। बेस्ड ऑन कशनाम 2016 और बाई रवि कत पीडू। प्रोड्यूस्ड बाई साजिद नाडियावाला। स्टेरिंग इसमें जो मेन किरदार अदा करेंगे वो आपको टाइगर श्रॉफ, देशा पटानी, मनोज भोवी, दर्शन कुमार, प्रीतिक बाबूर, प्रदीप होडा, दीपिका नोबरवाल, अरुवा शर्मा। अगर सिनेमाग्राफी की बात कर ली जाए तो सिनेमाग्राफी जिसने की है उनका नाम है
संथाना कृष्णा, रविचंदर, एडिट बाई रमेश्वर एस भगत, म्यूजिक बाई जूलिस एक्लिन, सॉन्ग मिथोन आरकू, संदीप शिरकोर, नेक्स्ट गौरव रोशन, प्रिया रिया, प्रोड्यूस कंपनी नाडीवाला ग्रैंड सन इंटरटेनमेंट। यहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको यूट्यूब पे मूवी ये नहीं मिल रही देखने को तो आप यहाँ पर नाडीवाला ग्रैंड सन इंटरटेनमेंट सर्च करेंगे, फिर उसके अंदर सर्च बार में जाकर आप नहीं बागी टू सर्च करनी है तो ये मूवी आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। डिस्ट्रीब्यूट बाई फोक स्टार स्टूडियोज, यहाँ पर भी ये मूवी आपको देखने के लिए मिल सकती है। रिलीज इसकी डेट है 30 मार्च 2018। 137 मिनट की ये मूवी है, यानी कि ये 2 घंटे और 17 मिनट की ये मूवी है। इसकी जो स्टोरी की जो लेंथ है वो 2 घंटे और 17 मिनट की है। भारत में इसको रिलीज किया गया, हिंदी जबान में इसको रिलीज किया गया। दोस्तों इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 59 करोड़ की लागत आई, बट इसने बॉक्स ऑफिस में 258 करोड़ का कमाल का बिजनेस किया। गाइस अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट और स्पोर्ट कास्ट की बात करें तो टाइगर श्रॉफ एज अ लेफ्टिनेंट कैप्टन रणवीर, प्रताप सिंह के रोल में आपको नजर आएंगे, दिशा पटानी एज अ नेहा के रोल में आपको नजर आएंगी, मनोज बाजपाई एज अ क्रैप्ट डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अजय शेरजिल, नेक्स्ट रणदीप हुड्डा एज अ एडिशनल कम्युनिकेशनर ऑफ पुलिस ऑफिसर लोहा, सिघा सिंह धुल एल एस डी, नेक्स्ट दर्शन कुमार एज अ शेखर कुमार के रोल में आपको नजर आएंगे, दोबरवाल एज अ उस्मान लनघाडा के रोल में आपको नजर आएंगे, प्रीतिक बाबू एज अ सन्नी कुमार के रोल में आपको नजर आएंगे, अरवाया शर्मा एज अ रिहा प्रताप सिंह के रोल में आपको नजर आएंगे, शौर्या भद्राज एज अ लोडिनेंट कोलेंट राजित सिंह वाला के रोल में आपको नजर आएंगे, विपिक शर्मा एज अ महेंद्रा रावत के रोल में आपको नजर आएंगे, सुनीत मोरिटी एज अ इंस्पेक्टर शॉल्ड, पुष्य अनीज एज अ स्कूल प्रिंसिपल के रोल में आपको नजर आएंगे, इन डेरियल भारती चारिया एज अ अनदीप तैगी, इश्वान कुशाल एज अ बुंगलू ओनर, जैकलीन एज अ मोहनी इन एटम सॉन्ग 1-2। गाइस अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हमें यही देखने को मिलेगा कि नेहा एक शादीशुदा खातून की एक बेटी है रिया, जिससे वो बहुत प्यार करती है। रिया के स्कूल के पहले दिन नेहा पर निकाब पोश अफराद ने हमला किया, इसने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई ये कहते हुए कि लोग रिया को ले गए। पुलिस तफ्तीश करती है लेकिन कुछ पता नहीं चलता। इससे बेखौफ नेहा ने अपने सबक बॉयफ्रेंड नवीर जो कि सिपाही है, माजी में रूनी ने नेहा से इनके कॉलेज के ज़माने में मुलाकात की और पहली नज़र एसएफ रूनी प्रताप सिंह से मदद तलब की, जो एक इंडियन आर्मी पैरा में ही उनसे प्यार हो गया था। कुछ अरसे बाद इसे भी रूनी से प्यार हो गया, दोनों ने शादी करने का फैसला किया। तब इसके वालिद मनिंद्रा को कैंसर की तशखीस हुई और मरने से पहले नेहा से दरख्वास्त की कि वो एक अमीर ताजर शेखर से शादी कर ले। मनिंद्र की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए नेहा ने रूनी से रोते हुए रिश्ता तोड़ दिया। इस वक्त रूनी एक खौफजदा नेहा से मिलता है और इसकी मदद करने पर राजी होता है। रूनी अब भी नेहा से मोहब्बत करता है लेकिन इस हकीकत से वाकिफ है कि नेहा शादीशुदा है। वो थाने पहुंच गए जहां FIR मुसन्निफ इंस्पेक्टर शरद ने नेहा के साथ बदतमीजी की। रूनी जवाबी कार्रवाई में इसे मारता है, एक ऐसी कार्रवाई जिससे वो गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन इसे जल्द ही DIG की दरख्वास्त पर रिहा कर दिया गया। अजय रूनी की कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रंजीत कॉनेज मिट रूनी को रंजीत ने आड़े अड्डे पर वापस बुला लिया
लेकिन एक मकामी जिस्मानी तौर पर मौजूद एजेंट उस्मान के साथ सफर करते हुए इसका जहन बदल जाता है, जिसकी इसने मदद की थी, और वो रिहा के स्कूल जाता है। प्रिंसिपल ने स्कूल के हाथे में अगवा की किसी भी वारदात की तरदीद की। रूनी शेखर के भाई सनी से मिलता है, जो एक मंशियात का आदी है, और इसके पीछे एक इमारत में जाता है जहां इसे पता चलता है कि उस्मान मंशियात की फरोख्त में मुलव्वस है। इस अमल में रूनी दोनों लोगों से लड़ता और शिकस्त देता है। उस्मान से रिया के बारे में पूछता है, लेकिन उस्मान को कुछ मालूम नहीं होता। दरअसल पुलिस कमिश्नर लोहा सिंह धोवाल LSD को इस केस की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शेखर रूनी से मिलता है और बताता है कि नेहा को पोस्ट ड्रोमेटिक स्ट्रेस डस ऑड की तशीस हुई है थी, और वो रिया की बेटी होने के बारे में खूब मचाने लगी थी, जबकि इसने ये भी कहा कि इसकी कोई बेटी नहीं है। रूनी ने इस CCTV फुटेज चेक की और पता चलाया कि कार में नेहा के अलावा कोई और नहीं है। वो गुस्से से नेहा पर चीखता है, जो उसे जाने को कहती है। अभी जाने ही वाला है कि उसने दीवार पर ऊंचाई की पैमाइश देखी, जिससे यह जाहिर होता है कि रिया एक हकीकी बच्चा हो सकती है, और इससे अपने पर शक होने लगता है। लेकिन इसमें बहुत देर हो चुकी है। जब निया ने ग्रिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली, बेबसी महसूस कर ली, क्योंकि कोई भी नहीं था इस पर यकीन किया जाता। आखिरकार उस्मान ने एतराफ़ किया कि जब वो रूनी को एक होटल में मिलने गया तो रिया को देखा था। इसने सनी को मंशात की तरसील के लिए बुलाया। जब इसने अपने आदमियों को रिया को आंखों पर पट्टी बांधकर एक अड्डे में ले जाते देखा, इसने उस्मान की माँ रखने के लिए रकम अदा की। वो एक बार में जाते हैं। रूनी ने सनी का पीछा किया, लेकिन LSD ने रूनी को पकड़ लिया, जिसे इसने होटल में इंतजार करने को कहा। पुलिस सनी से पूछ गुछ करती है, लेकिन अजय ने इससे एक गर्मा गर्म लम्हे में गोली मारकर हला कर दिया। रूनी का कहना है कि इसके पास इस बात का सबूत है कि रिया जिंदा है, और वो उस्मान को अजय और LSD से मिलवाता है। अजय रूनी को अपने घर ले जाता है, इसे बताता है कि इसने अपने खानदान को एक हादसे में खो दिया है। इसी दौरान दो हमला आवरों ने उस्मान को बेदर्दी से मारा। रूनी वहां आता है, उस्मान को खून बह रहा होता है, और दोनों हमला आवरों से लड़ता है। उस्मान जख्मों का ताब ना लाते हुए दम तोड़ दे। रूनी एक हमला आवर को खून लेता है और अजय के घर में ले गई अपनी एक तस्वीर देखता है, जिससे अंदाज़ा होता है कि अजय ही मास्टरमाइंड है। वो अपने फौजी अड्डे पर जाता है, जंगल में बहुत से गुंडों से अकेले लड़ता है, खून बहते हुए हेलीकॉप्टरों को तबाह करता है। रूनी एक ऐसे शख्स को मार डालता है जिसने रिया के वालिद के तौर पर काम किया था, लेकिन अजय ने इसे गोली मार दी, जिसने इनकशाफ किया कि शेखर रिया के अगवा का जिम्मेदार है। शेखर ने रिया की तमाम तस्वीर और खिलौने जला दी। रूनी ने अजय को बेदर्दी से मारा, लेकिन जब अजय रूनी को मारने वाला है तो LSD ने अजय को गोली मारकर हला कर दिया। रूनी बेहोश होने से पहले रिया को देखता है। LSD बताता है कि शेखर जरासीम से पाक था, जिसने इससे ये सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया। इसका मतलब ये है कि रिया रूनी की बेटी है। रूनी को याद है जब नेहा ने इसे कहा कि इसे शेखर से शादी करनी है, इसने और नेहा ने मोहब्बत ख़त्म कर दी। आखिर में रूनी रिया को अपने घर ले जाता है और तसव्वुर करता है कि नेहा इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है, मुस्कुराते हुए वापस आ जाती है। तो यूँ इस फिल्म का इख्तिताम हो जाता है। यकीनन आपको ये मूवी पसंद आई होगी, और इस मूवी ने बहुत अच्छा बिजनेस किया, और स्टोरी भी अच्छी है, और वैसे भी हमने आपको एक मूवी सब स्टोरी बता दी। अगर आप 2.5 घंटे की मूवी देखेंगे, 2.5 घंटे के बाद आप सिर्फ स्टोरी ही जान पाएंगे। अगर आप ये हमारी 20 मिनट की या 15 मिनट की मूवी देख लेंगे
तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि फिल्म में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है, इस मूवी की स्टोरी क्या है, ए टू जेड हमने सब मालूम दे दी, लेकिन आपको पसंद आई होगी। दोस्तों बागी एक 2018 की हिंदी जबान की एक रोमांटिक मार्शल आर्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसकी हिदायतकारी अहमद खान ने की है। नाडिया वाला ग्रांड सेंट इंटरटेनमेंट के जरिए तैयार करदा ये बागी फिल्म सीरीज की दूसरी किस्त है, जो 2016 की फिल्म बागी का रूहानी स्क्वायर है और 2016 की तेलुगु फिल्म कशनम का रीमेक है। इसमें टाइगर श्रॉफ, देशा पडानी, मनोज वाजपेयी, दर्शन कुमार, प्रभु कुमार शामिल हैं, रणदीप हुड्डा, दीपक डोबरियाल और प्रिया शर्मा भी इसमें मेन किरदार अदा करते आपको नजर आए। और रणवीर नूरी प्रताप सिंह की कहानी सुनाता है एक हिंदुस्तानी फौजी अफसर जो गोवा में अपनी सबका गर्लफ्रेंड की 3 साल बेटी को अगवाकारों के जंगल से ढूंढने और बचाने के लिए निकला। अगस्त में फिल्म के लिए प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज 2017 और इसकी शूटिंग बम्बई, पुणे, शंघाई, गोवा, चीन, मनाली और थाईलैंड में की गई के बजट के साथ ख़त्म हुई। बाशमूल प्रिंट और प्रमोशन के अखराज US$7.4 मिलियन यानी कि 590 मिलियन का खर्चा आया। बागी 302 मार्च यानी कि जो खर्चा आया, बागी जो है ना 30 मार्च 2018 को दुनिया भर में रिलीज हुई, जिसमें हिंदुस्तान में 3500 स्क्रीन शामिल है। फिल्म ने दुनिया भर में 2.58 बिलियन से ज़्यादा की कमाई करके 2018 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक बन गई। गाइस अगर इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उसका नाम है अहमद खान, इस फिल्म को जिसने राइट किया है उसका नाम अहमद खान है, शान यादव है, अब्बास है, इसके साथ नीरज कुमार मिश्रा भी है। स्टोरी भाई ओरिजिनल स्टोरी जो है वो अदिति सी की है, इसको फिर एडोप्ट स्टोरी साजिद नाडियावाला ने किया है। बेस्ड ऑन कशनाम 2016 और बाई रवि कथ पीडू, प्रोड्यूस्ड बाई साजिद नाडियावाला, स्टेरिंग इसमें जो मेन किरदार अदा करेंगे अब आपको टाइगर श्रॉफ, देशा पटानी, मनोज भोवी, दर्शन कुमार, प्रीतिक बाबूर, प्रदीप होडा, दीपिका नोबरवाल, अरुवा शर्मा। अगर सिनेमेटोग्राफी की बात कर ली जाए तो सिनेमेटोग्राफी जिसने की है उनका नाम है संथाना कृष्णा, रविच दंदर, एडिट बाय रमेश्वर एस भगत, म्यूजिक बाय जूलियस पैकलिन, सॉन्ग मिथुन आरकू, संदीप शिरकौर, नेक्स्ट गौरव रोशन, प्रिया रिया, प्रोड्यूस कंपनी नाडियावाला ग्रैंड सन इंटरटेनमेंट। यहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको यूट्यूब पे मूवी ये नहीं मिल रही देखने को तो आप यहाँ पर नाडियावाला ग्रैंड सन इंटरटेनमेंट सर्च करेंगे, फिर उसके अंदर सर्च बार में जाकर आपने ही बागी 2 सर्च करनी है तो ये मूवी आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। डिस्ट्रीब्यूट बाय फोक स्टार स्टूडियोज, यहाँ पर भी ये मूवी आपको देखने के लिए मिल सकती है। रिलीज इसकी डेट है 30 मार्च 2018। 137 मिनट की ये मूवी है यानी कि ये 2 घंटे और 17 मिनट की ये मूवी है। इसकी जो स्टोरी की जो लेंथ है वो 2 घंटे और 17 मिनट की है। भारत में इसको रिलीज किया गया, हिंदी जबान में इसको रिलीज किया गया। दोस्तों इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 59 करोड़ की लागत आई, बट इसने बॉक्स ऑफिस में 258 करोड़ का कमाल का बिजनेस किया। गाइस अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट और स्पोर्ट कास्ट की बात करें तो टाइगर श्रॉफ एज अ लेफ्टिनेंट कैप्टन, रणवीर प्रताप सिंह के रोल में आपको नजर आएंगे, दिशा पटानी एज अ नेहा के रोल में आपको नजर आएंगी, मनोज वाजपेयी एज अ क्रैप्ट, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अजय शेरजिल, नेक्स्ट रणदीप हुड्डा एज अ एडिशनल
कम्युनिकेशनर ऑफ पुलिस ऑफिसर लोहा सिघा सिंह धुल LSD। नेक्स्ट दर्शन कुमार एज अ शेखर कुमार फिर में आपको नजर आएंगे। डोबरवाल एज अ उस्मान लनघाडा हीरो के रोल में आपको नजर आएंगे। प्रीतिक बाबू एज अ सन्नी कुमार के रोल में आपको नजर आएंगे। अरवाया शर्मा एज अ रिहा प्रताप सिंह के रोल में आपको नजर आएंगे। शौर्या भद्राज एज अ लोडिनेंट कोलेंट राजित सिंह वाला के रोल में आपको नजर आएंगे। विपिक शर्मा एज अ महेंद्रा रावत के रोल में आपको नजर आएंगे। सुनील मोरिटी एज अ इंस्पेक्टर शर्ल्ड पुष्य अनीज एज अ स्कूल प्रिंसिपल के रोल में आपको नजर आएंगे। इन डेरियल भारती चारिया एज अ अनदीप तैगी इश्वान कुशाल एज अ बुंगलू ओनर जैकलीन एज अ मोहनी इन एटम सॉन्ग 1-2। गाइस अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हमें यही देखने को मिलेगा कि नेहा एक शादीशुदा खातून की एक बेटी है रिया जिससे वो बहुत प्यार करती है। रिया के स्कूल के पहले दिन नेहा पर निकाब पोश अफराद ने हमला किया। इसने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई ये कहते हुए कि लोग रिया को ले गए। पुलिस तफ्तीश करती है लेकिन कुछ पता नहीं चलता। इससे बेखौफ नेहा ने अपने साबिक बॉयफ्रेंड नवीर जो कि सिपाही है माजी में रूनी ने नेहा से इनके कॉलेज के जमाने में मुलाकात की और पहली नज़र SF रूनी प्रताप सिंह से मदद तलब की जो एक इंडियन आर्मी पैरा में ही उनसे प्यार हो गया था। कुछ अरसे बाद इसे भी रूनी से प्यार हो गया। दोनों ने शादी करने का फैसला किया। तमाम इसके वालिद मनिंद्रा को कैंसर की तशखीस हुई और मरने से पहले नेहा से दरख्वास्त की कि वो एक अमीर ताजर शेखर से शादी कर ले। मनिंद्र की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए नेहा ने रूनी से रोते हुए रिश्ता तोड़ दिया। इस वक्त रूनी एक खौफजदा नेहा से मिलता है और इसकी मदद करने पर राजी होता है। रूनी अब भी नेहा से मोहब्बत करता है लेकिन इस हकीकत से वाकिफ है कि नेहा शादीशुदा है। वो थाने पहुंच गए जहां FIR मुसन्निफ इंस्पेक्टर शर्द ने नेहा के साथ बदतमीजी की। रूनी जवाबी कार्रवाई में इसे मारता है एक ऐसी कार्रवाई जिससे वो गिरफ्तार हो जाता है लेकिन इसे जल्द ही DIG की दरख्वास्त पर रिहा कर दिया गया। अजय रूनी की कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रंजीत कॉनेज मिट रूनी को रंजीत ने आड़े अड्डे पर वापस बुला लिया लेकिन एक मकामी जिस्मानी तौर पर मजदूर एजेंट उस्मान के साथ सफ़र करते हुए इसका जहन बदल जाता है जिसकी इसने मदद की थी और वो रिहा के स्कूल जाता है। प्रिंसिपल ने स्कूल के हादसे में अगवा की किसी भी वारदात की तरदीद की। रूनी शेखर के भाई सनी से मिलता है जो एक मंशियात का आदि है और इसके पीछे एक इमारत में जाता है जहां इसे पता चलता है कि उस्मान मंशियात की फरोख्त में मुलव्वस है। इस अमल में रूनी दोनों लोगों से लड़ता और शिकस्त देता है। उस्मान से रिया के बारे में पूछता है लेकिन उस्मान को कुछ मालूम नहीं होता। दरअसल पुलिस कमिश्नर लोहा सिंह धोवाल LSD को इस केस की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शेखर रूनी से मिलता है और बताता है कि नेहा को पोस्ट ड्रोमेटिक स्ट्रेस डस और की तशीस हुई है थी और वो रिहा की बेटी होने के बारे में खूब मचाने लगी थी जबकि इसने ये भी कहा कि इसकी कोई बेटी नहीं है। रूनी ने इस CCTV फुटेज चेक की और पता चलाया कि कार में नेहा के अलावा कोई और नहीं है। वो गुस्से से नेहा पर चीखता है जो उसे जाने को कहती है। अभी जाने ही वाला है कि उसने दीवार पर ऊंचाई की पैमाइश देखी जिससे यह जाहिर होता है कि रिया एक हकीकी बच्चा हो सकती है और इससे अपने पर शक होने लगता है लेकिन इसमें बहुत देर हो चुकी है। जब नेहा ने ग्रिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली बेबसी महसूस कर ली क्योंकि कोई भी नहीं था इस पर यकीन किया जाता। आखिरकार उस्मान ने एतराफ़ किया कि जब वो रूनी को एक होटल में मिलने गया तो रिया को देखा था। इसने
सनी को मनशात की तरसील के लिए बुलाया, जब इसने अपने आदमियों को रिहा को आंखों पर पट्टी बांधकर एक अड्डे में ले जाते देखा। इसने उस्मान की माँ रखने के लिए रकम अदा की। वो एक बार में जाते हैं, रूनी ने सन्नी का पीछा किया, लेकिन LSD ने रूनी को पकड़ लिया, जिसे इसने होटल में इंतजार करने को कहा। पुलिस सन्नी से पूछ गछ करती है, लेकिन अजय ने इसे एक गर्मा गर्म लम्हे में गोली मारकर हला कर दिया। रूनी का कहना है कि इसके पास इस बात का सबूत है कि रिया जिंदा है और वो उस्मान को अजय और LSD से मिलवाता है। अजय रूनी को अपने घर ले जाता है, इसे बताता है कि इसने अपने खानदान को एक हादसे में खो दिया है। इसी दौरान दो हमला आवरों ने उस्मान को बेदर्दी से मारा। रूनी वहां आता है, उस्मान को खून बह रहा होता है और दोनों हमला आवरों से लड़ता है। उस्मान जख्मों का ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। रूनी एक हमला आवर को फूंद लेता है और अजय के घर में ले गई अपनी एक तस्वीर देखता है, जिससे अंदाजा होता है कि अजय ही मास्टरमाइंड है। वो अपने फौजी अड्डे पर जाता है, जंगल में बहुत से गुंडों से अकेले लड़ता है, खून बहते हुए हेलीकॉप्टरों को तबाह करता है। रूनी एक ऐसे शख्स को मार डालता है जिसने रिया के वालिद के तौर पर काम किया था, लेकिन अजय ने इसे गोली मार दी, जिसने इनकशाफ किया कि शेखर रिया के अगवा का जिम्मेदार है। शेखर ने रिया की तमाम तस्वीर और खिलौने जला दी। रूनी ने अजय को बेदर्दी से मारा, लेकिन जब अजय रूनी को मारने वाला है तो LSD ने अजय को गोली मारकर हला कर दिया। रूनी बेहोश होने से पहले रिया को देखता है। LSD बताता है कि शेखर जरासीम से पाक था, जिसने इससे ये सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया। इसका मतलब ये है कि रिया रूनी की बेटी है। रूनी को याद है जब निहा ने इसे कहा कि इसे शेखर से शादी करनी है, इसने और निहा ने मोहब्बत ख़त्म कर दी। आखिर में रूनी रिया को अपने घर ले जाता है और तसव्वुर करता है कि निया इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है, मुस्कुराते हुए वापस आ जाती। तो यूं इस फिल्म का इख्तिताम हो जाता है। यकीनन आपको ये मूवी पसंद आई होगी और इस मूवी ने बहुत अच्छा बिजनेस किया और स्टोरी भी अच्छी है, और वैसे भी हमने आपको एक मुझे सब स्टोरी बता दी। अगर आप 2.5 घंटे की मूवी देखेंगे, 2.5 घंटे के बाद आप सिर्फ स्टोरी ही जान पाएंगे। अगर आप ये हमारी 20 मिनट की या 15 मिनट की मूवी देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस फिल्म में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है, इस मूवी की स्टोरी क्या है। A to Z हमने सब मालूम दे दी, लेकिन आप पसंद आई होगी। दोस्तों, बागी एक 2018 की हिंदी जबान की एक रोमांटिक मार्शल आर्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसकी हिदायतकारी अहमद खान ने की है। नाडिया वाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के जरिए तैयार करदा ये बागी फिल्म सीरीज की दूसरी किस्त है। ये 2016 की फिल्म बागी का रूहानी स्क्वायर है। वो 2016 की तेलुगु फिल्म कशनम का रीमेक है। इसमें टाइगर श्रॉफ, देशा पडानी, मनोज वाजपेयी, दर्शन कुमार, प्रभु कुमार शामिल हैं। रणदीप हुड्डा, दीपक डोबरियाल और उरिया शर्मा भी इसमें मेन किरदार अदा करते आपको नजर आए। और रणवीर नूरी प्रताप सिंह की कहानी सुनाता है। एक हिंदुस्तानी फौजी अफसर जो गोवा में अपनी सबका गर्लफ्रेंड की 3 साल बेटी को अगवाकारों के जंगल से ढूंढने और बचाने के लिए निकला। अगस्त में फिल्म के लिए प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज 2017 और इसकी शूटिंग बम्बई, पुणे, शंघाई, गोवा, चीन, मनाली और थाईलैंड में की गई के बजट के साथ ख़त्म हुई। बाशमूल प्रिंट और प्रमोशन के अखराज US$7.4 मिलियन यानी कि 590 मिलियन का खर्चा आया। बागी 302 मार्च यानी कि जो खर्चा आया, बागी जो है ना 30 मार्च 2018 को दुनिया भर में रिलीज हुई, जिसमें हिंदुस्तान में 3500 स्क्रीन शामिल है। फिल्म ने दुनिया भर में 2.58 बिलियन से ज़्यादा की कमाई करके 2018 की सबसे ज़्यादा
कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक बन गई। गाइस, अगर इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उसका नाम है अहमद खान। इस फिल्म को जिसने राइट किया है उसका नाम अहमद खान है। शान यादव हैं, अब्बास हैं, इसके साथ नीरज कुमार मिश्रा भी हैं। स्टोरी भाई, ओरिजिनल स्टोरी जो है वो अदिति सी की है। इसको फिर एडोप्ट स्टोरी साजिद नाडियावाला ने किया है। बेस्ड ऑन कशनाम 2016 और बाय रवि कथ पीडू। प्रोड्यूस्ड बाय साजिद नाडियावाला। स्टेरिंग इसमें जो मेन किरदार अदा करेंगे अब आपको टाइगर श्रॉफ, दिशा पटानी, मनोज भोवी, दर्शन कुमार, प्रीतिक बाबूर, प्रदीप होडा, दीपिका नोबरवाल, अरुवा शर्मा। अगर सिनेमेटोग्राफी की बात कर ली जाए तो सिनेमेटोग्राफी जिसने की है उनका नाम है संथाना कृष्णा, रविच दंदर, एडिट बाय रमेश्वर एस भगत, म्यूजिक बाय जूलियस पैकलिन, सॉन्ग मिथुन आरकू, संदीप शिरकोर, नेक्स्ट गौरव रोशन, प्रिया लिया। प्रोड्यूस कंपनी नाडियावाला ग्रैंड सन इंटरटेनमेंट। यहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको यूट्यूब पे मूवी ये नहीं मिल रही देखने को तो आप यहाँ पर नाडियावाला ग्रैंड सन इंटरटेनमेंट सर्च करेंगे, फिर उसके अंदर सर्च बार में जाकर आप नहीं बागी टू सर्च करनी है तो ये मूवी आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। डिस्ट्रीब्यूट बाई फोक स्टार स्टूडियोज, यहाँ पर भी ये मूवी आपको देखने के लिए मिल सकती है। रिलीज इसकी डेट है 30 मार्च 2018। 137 मिनट की ये मूवी है, यानी कि ये 2 घंटे और 17 मिनट की ये मूवी है। इसकी जो स्टोरी की जो लेंथ है वो 2 घंटे और 17 मिनट की है। भारत में इसको रिलीज किया गया, हिंदी जबान में इसको रिलीज किया गया। दोस्तों इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 59 करोड़ की लागत आई, बट इसने बॉक्स ऑफिस में 258 करोड़ का कमाल का बिजनेस किया। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट और स्पोर्ट कास्ट की बात करें तो टाइगर श्रॉफ एज अ लेफ्टिनेंट कैप्टन, रणवीर प्रताप सिंह हीरो में आपको नजर आएंगे, दिशा पटानी एज अ नेहा हीरो में आपको नजर आएंगी, मनोज बाजपाई एज अ क्रैप्ट डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अजय शेरजिल, नेक्स्ट रणदीप होडा एज अ एडिशनल कम्युनिकेशनर ऑफ पुलिस ऑफिसर लोहा सिघा सिंह धुल LSD, नेक्स्ट दर्शन कुमार एज अ शेखर कुमार फिर में आपको नजर आएंगे, डोबरवाल एज अ उस्मान लनघाडा रोके रो में आपको नजर आएंगे, प्रीतिक बाबू एज अ सन्नी कुमार के रोल में आपको नजर आएंगे, अरवाया शर्मा एज अ रिहा प्रताप सिंह के रोल में आपको नजर आएंगे, शौर्या भद्राज एज अ लोडिनेंट कोलेंट राजित सिंह वाला के रोल में आपको नजर आएंगे, विपिक शर्मा एज अ महिंद्रा रावत के रोल में आपको नजर आएंगे, सुनीत मोरिटी एज अ इंस्पेक्टर शॉल्ट, पुष्य अनीज एज अ स्कूल प्रिंसिपल के रोल में आपको नजर आएंगे, इंडेरियल भारती चारिया एज अ अनदीप तैगी, इशवान कुशाल एज अ बुंगलू ओनर, जैकलीन एज अ मोहनी इन एटम सॉन्ग 1-2। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हमें यही देखने को मिलेगा कि नेहा एक शादीशुदा खातून की एक बेटी है, रिया जिससे वो बहुत प्यार करती है। रिया के स्कूल के पहले दिन नेहा पर निकाह पोश अफराद ने हमला किया। इसने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई ये कहते हुए कि लोग रिया को ले गए। पुलिस तफ्तीश करती है लेकिन कुछ पता नहीं चलता। इससे बेखौफ नेहा ने अपने सबक बॉयफ्रेंड नवीर जो कि सिपाही है, माजी में रूनी ने नेहा से इनके कॉलेज के ज़माने में मुलाकात की और पहली नज़र SF रूनी प्रताप सिंह से मदद तलब की।
जो एक इंडियन आर्मी पैरा में ही उनसे प्यार हो गया था। कुछ अरसे बाद इसे भी होनी से प्यार हो गया। दोनों ने शादी करने का फैसला किया। तब इसके वालिद मनिंद्रा को कैंसर की तशखीस हुई और मरने से पहले नेहा से दरख्वास्त की कि वो एक अमीर ताजर शेखर से शादी कर ले। मनिंद्र की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए नेहा ने रूनी से रोते हुए रिश्ता तोड़ दिया। इस वक्त रूनी एक खौफज़दा नेहा से मिलता है और इसकी मदद करने पर राजी होता है। रूनी अब भी नेहा से मोहब्बत करता है, लेकिन इस हकीकत से वाकिफ है कि नेहा शादीशुदा है। वो थाने पहुंच गए जहां FIR मुसनफ इंस्पेक्टर शरद ने नेहा के साथ बदतमीजी की। रूनी जवाबी कार्रवाई में इसे मारता है, एक ऐसी कार्रवाई जिससे वो गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन इसे जल्द ही DIG की दरख्वास्त पर रिहा कर दिया गया। अजय रूनी की कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रंजीत कॉनेज मिट रूनी को रंजीत ने आड़े अड्डे पर वापस बुला लिया, लेकिन एक मकामी जिस्मानी तौर पर मजूर एजेंट उस्मान के साथ सफ़र करते हुए इसका जहन बदल जाता है, जिसकी इसने मदद की थी, और वो रिहा के स्कूल जाता है। प्रिंसिपल ने स्कूल के हाथे में अगवा की किसी भी वारदात की तरदीद की। रूनी शेखर के भाई सनी से मिलता है जो एक मंशियात का आदी है, और इसके पीछे एक इमारत में जाता है जहां इसे पता चलता है कि उस्मान मंशियात की फरोख्त में मुलव्वस है। इस अमल में रूनी दोनों लोगों से लड़ता और शिकस्त देता है। उस्मान से रिया के बारे में पूछता है, लेकिन उस्मान को कुछ मालूम नहीं होता। दरअसल पुलिस कमिश्नर लोहा सिंह धोवाल LSD को इस केस की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शेखर रूनी से मिलता है और बताता है कि नेहा को पोस्ट ड्रोमेटिक स्ट्रेस डस और की तशीस हुई है थी, और वो रिहा की बेटी होने के बारे में खूब मचाने लगी थी, जबकि इसने ये भी कहा कि इसकी कोई बेटी नहीं है। रूनी ने इस CCTV फुटेज चेक की और पता चलाया कि कार में नेहा के अलावा कोई और नहीं है। वो गुस्से से नेहा पर चीखता है, जो उसे जाने को कहती है। अभी जाने ही वाला है कि उसने दीवार पर ऊंचाई की पैमाइश देखी, जिससे यह जाहिर होता है कि रिया एक हकीकी बच्चा हो सकती है, और इससे अपने पर शक होने लगता है। लेकिन इसमें बहुत देर हो चुकी है। जब नेहा ने ग्रिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली, बेबसी महसूस कर ली, क्योंकि कोई भी नहीं था इस पर यकीन किया जाता। आखिरकार उस्मान ने एतराफ किया कि जब वो रूनी को एक होटल में मिलने गया तो रिया को देखा था। इसने सनी को मंशात की तरसील के लिए बुलाया। जब इसने अपने आदमियों को रिया को आंखों पर पट्टी बांधकर एक अड्डे में ले जाते देखा, इसने उस्मान की माँ रखने के लिए रकम अदा की। वो एक बार में जाते हैं। रूनी ने सनी का पीछा किया, लेकिन LSD ने रूनी को पकड़ लिया, जिसे इसने होटल में इंतज़ार करने को कहा। पुलिस सनी से पूछ गछ करती है, लेकिन अजय ने इसे एक गर्मा गर्म लम्हे में गोली मारकर हला कर दिया। रूनी का कहना है कि इसके पास इस बात का सबूत है कि रिया जिंदा है, और वो उस्मान को अजय और LSD से मिलवाता है। अजय रूनी को अपने घर ले जाता है, इसे बताता है कि इसने अपने ख़ानदान को एक हादसे में खो दिया है। इसी दौरान दो हमला आवरों ने उस्मान को बेदर्दी से मारा। रूनी वहां आता है, उस्मान को खून बह रहा होता है और दोनों हमला आवरों से लड़ता है। उस्मान जख्मों का ताब ना लाते हुए दम तोड़ गए। रूनी एक हमला आवर को खून लेता है और अजय के घर में ले गई अपनी एक तस्वीर देखता है, जिससे अंदाज़ा होता है कि अजय ही मास्टरमाइंड है। वो अपने फौजी अड्डे पर जाता है, जंगल में बहुत से गुंडों से अकेले लड़ता है, खून बहते हुए हेलीकॉप्टरों को तबाह करता है। रूनी एक ऐसे शख्स को मार डालता है जिसने रिया के वालिद के तौर पर काम किया था, लेकिन अजय ने इसे गोली मार दी, जिसने इनकशाफ किया कि शेखर रिया के अगवा का जिम्मेदार है। शेखर ने रिया की तमाम तस्वीर और खिलौने जला दी। रूनी ने अजय को
बेदर्दी से मारा, लेकिन जब अजय रूनी को मारने वाला है तो LSD ने अजय को गोली मारकर हला कर दिया। रूनी बेहोश होने से पहले रिया को देखता है। LSD बताता है कि शेखर जरासीम से पाक था, जिसने इससे ये सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया। इसका मतलब ये है कि रिया रूनी की बेटी है। रूनी को याद है जब निहा ने इसे कहा कि इसे शेखर से शादी करनी है, इसने और निहा ने मोहब्बत ख़त्म कर दी। आखिर में रूनी रिया को अपने घर ले जाता है और तसव्वुर करता है कि निहा इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है, मुस्कुराते हुए वापस आ जाती है। तो यूँ इस फिल्म का इख्तिताम हो जाता है। यकीनन आपको ये मूवी पसंद आई होगी और इस मूवी ने बहुत अच्छा बिजनेस किया और स्टोरी भी अच्छी है, और वैसे भी हमने आपको एक मूवी सब स्टोरी बता दी। अगर आप 2.5 घंटे की मूवी देखेंगे, 2.5 घंटे के बाद आप सिर्फ स्टोरी ही जान पाएंगे। अगर आप ये हमारी 20 मिनट की या 15 मिनट की मूवी देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस फिल्म में कौन क्या किरदार अदा कर रहे हैं, इस मूवी की स्टोरी क्या है। ए टू जी हमने सब मालूम दे दी, लेकिन आप पसंद नहीं आई। दोस्तों, बागी एक 2018 की हिंदी जबान की एक रोमांटिक मार्शल आर्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसकी हिदायतकारी अहमद खान ने की है। नाडिया वाला ग्रांड सन इंटरटेनमेंट के जरिए तैयार करदा ये बागी फिल्म सीरीज की दूसरी किस्त है, जो 2016 की फिल्म बागी का रूहानी स्क्वायर है और 2016 की तेलुगु फिल्म कशनम का रीमेक है। इसमें टाइगर श्रॉफ, देशा पडानी, मनोज वाजपेयी, दर्शन कुमार, प्रभु कुमार शामिल हैं। संदीप होडा, दीपक डोबरियाल और प्रिया शर्मा भी इसमें मेन किरदार अदा करते आपको नजर आए। और रणवीर नूरी प्रताप सिंह की कहानी सुनाता है। एक हिंदुस्तानी फौजी अफसर जो गोवा में अपनी सबका गर्लफ्रेंड की 3 साल बेटी को अगवाकारों के जंगल से ढूंढने और बचाने के लिए निकला। अगस्त में फिल्म के लिए प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज 2017 और इसकी शूटिंग बम्बई, पुणे, शंघाई, गोवा, चीन, मनाली और थाईलैंड में की गई के बजट के साथ ख़त्म हुई। बाशमूल प्रिंट और प्रमोशन के अखराज US$7.4 मिलियन यानी कि 590 मिलियन का खर्चा आया। बागी 302 मार्च यानी कि जो खर्चा आया, बागी जो है ना 30 मार्च 2018 को दुनिया भर में रिलीज हुई, जिसमें हिंदुस्तान में 3500 स्क्रीन शामिल है। फिल्म ने दुनिया भर में 2.58 बिलियन से ज़्यादा की कमाई करके 2018 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक बन गई। गाइस, अगर इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उसका नाम है अहमद खान। इस फिल्म को जिसने राइट किया है उसका नाम अहमद खान है। शान यादव है, अब्बास है, इसके साथ नीरज कुमार मिश्रा भी है। स्टोरी भाई ओरिजिनल स्टोरी जो है वो अदिति सी की है। इसको फिर एडोप्ट स्टोरी साजिद नाडियावाला ने किया है। बेस्ड ऑन कशनाम 2016 और बाई रवि कत पीडू। प्रोड्यूस्ड बाई साजिद नाडियावाला। स्टेरिंग इसमें जो मेन किरदार अदा करेंगे अब आपको टाइगर श्रॉफ, देशा पटानी, मनोज भोवी, दर्शन कुमार, प्रीतिक बाबूर, प्रदीप होडा, दीपिका नोबरवाल, अरुवा शर्मा। अगर सिनेमेटोग्राफी की बात कर ली जाए तो सिनेमेटोग्राफी जिसने की है उनका नाम है संथाना कृष्णा, रविच नंदर, एडिट बाई रमेश्वर एस भगत, म्यूजिक बाई जूलिस पैकलिन, सॉन्ग मिथुन आरकू, संदीप शिरकौर, नेक्स्ट गौरव रोशन, प्रिया लिया। प्रोड्यूस कंपनी नाडियावाला ग्रैंड सन इंटरटेनमेंट। यहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको यूट्यूब पे मूवी ये नहीं मिल रही देखने को तो आप यहाँ पर नाडियावाला ग्रैंड सन इंटरटेनमेंट सर्च करेंगे, फिर उसके अंदर सर्च बार में जाकर आपने ही बागी 2 सर्च करनी है तो ये मूवी आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी।
डिस्ट्रीब्यूट बाई फोक स्टार स्टूडियोज, यहाँ पर भी ये मूवी आपको देखने के लिए मिल सकती है। रिलीज इसकी डेट है 30 मार्च 2018। 137 मिनट की ये मूवी है, यानी कि ये 2 घंटे और 17 मिनट की ये मूवी है। इसकी जो स्टोरी की जो लेंथ है वो 2 घंटे और 17 मिनट की है। भारत में इसको रिलीज किया गया, हिंदी जबान में इसको रिलीज किया गया। दोस्तों इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 59 करोड़ की लागत आई, बट इसने बॉक्स ऑफिस में 258 करोड़ का कमाल का बिजनेस किया। गाइस अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट और स्पोर्ट कास्ट की बात करें तो टाइगर श्रॉफ एज अ लेफ्टिनेंट कैप्टन रणवीर प्रताप सिंह के रोल में आपको नजर आएंगे, दिशा पटानी एज अ नेहा के रोल में आपको नजर आएंगी, मनोज बाजपाई एज अ करप्ट डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अजय शेरजिल, नेक्स्ट रणदीप हुड्डा एज अ एडिशनल कम्युनिकेशनर ऑफ पुलिस ऑफिसर लोहा सिघा सिंह धुल एल एस डी, नेक्स्ट दर्शन कुमार एज अ शेखर कुमार के रोल में आपको नजर आएंगे, डोबरवाल एज अ उस्मान लनघाडा के रोल में आपको नजर आएंगे, प्रीतिक बाबू एज अ सन्नी कुमार के रोल में आपको नजर आएंगे, अरवाया शर्मा एज अ रिहा प्रताप सिंह के रोल में आपको नजर आएंगे, शौर्या भद्राज एज अ लोडिनेंट कोलेंट राजित सिंह वाला के रोल में आपको नजर आएंगे, विपिक शर्मा एज अ महेंद्रा रावत के रोल में आपको नजर आएंगे, सुनीत मोरिटी एज अ इंस्पेक्टर शॉल्ट, पुष्य अनीज एज अ स्कूल प्रिंसिपल के रोल में आपको नजर आएंगे, इन डेरियल भारती चारिया एज अ अनदीप तैगी, इशवान कुशाल एज अ बुंगलू ओनर, जैकलीन एज अ मोहनी इन एटम सॉन्ग 1-2। गाइस अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हमें यही देखने को मिलेगा कि नेहा एक शादीशुदा खातून की एक बेटी है रिया, जिससे वो बहुत प्यार करती है। रिया के स्कूल के पहले दिन नेहा पर निकाब पोश अफराद ने हमला किया, इसने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई ये कहते हुए कि लोग रिया को ले गए। पुलिस तफ्तीश करती है लेकिन कुछ पता नहीं चलता। इससे बेखौफ नेहा ने अपने साबिक बॉयफ्रेंड नवीर जो कि सिपाही है, माजी में रूनी ने नेहा से इनके कॉलेज के ज़माने में मुलाकात की और पहली नज़र एसएफ रूनी प्रताप सिंह से मदद तलब की, जो एक इंडियन आर्मी पैरा में ही उनसे प्यार हो गया था। कुछ अरसे बाद इसे भी रूनी से प्यार हो गया, दोनों ने शादी करने का फैसला किया। तब इसके वालिद मनिंद्रा को कैंसर की तशखीस हुई और मरने से पहले नेहा से दरख्वास्त की कि वो एक अमीर ताजर शेखर से शादी कर ले। मनिंद्र की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए नेहा ने रूनी से रोते हुए रिश्ता तोड़ दिया। इस वक्त रूनी एक खौफजदा नेहा से मिलता है और इसकी मदद करने पर राजी होता है। रूनी अब भी नेहा से मोहब्बत करता है लेकिन इस हकीकत से वाकिफ है कि नेहा शादीशुदा है। वो थाने पहुँच गए जहाँ FIR मुसनफ इंस्पेक्टर शरद ने नेहा के साथ बदतमीजी की। रूनी जवाबी कार्रवाई में इसे मारता है, एक ऐसी कार्रवाई जिससे वो गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन इसे जल्द ही DIG की दरख्वास्त पर रिहा कर दिया गया। अजय रूनी की कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रंजीत कॉनेज मिट रूनी को रंजीत ने आड़े अड्डे पर वापस बुला लिया, लेकिन एक मकामी जिस्मानी तौर पर मजदूर एजेंट उस्मान के साथ सफ़र करते हुए इसका जहन बदल जाता है, जिसकी इसने मदद की थी, और वो रिहा के स्कूल जाता है। प्रिंसिपल ने स्कूल के हाथे में अगवा की किसी भी वारदात की तरदीद की। रूनी शेखर के भाई सनी से मिलता है जो एक मंशियात का आदी है और इसके पीछे एक इमारत में जाता है जहां इसे पता चलता है कि उस्मान मंशियात की फरोख्त में मुलव्वस है। इस अमल में रूनी दोनों लोगों से लड़ता और शिकस्त देता है। उस्मान से रिया के बारे में पूछता है लेकिन उस्मान को कुछ मालूम नहीं होता। दरअसल पुलिस कमिश्नर लोहा सिंह धोवाल LSD
को इस केस की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शेखर होनी से मिलता है और बताता है कि नेहा को पोस्ट ड्रामेटिक स्ट्रेस डस ऑड्स की तशीस हुई है थी और वो रिया की बेटी होने के बारे में खूब मचाने लगी थी, जबकि इसने ये भी कहा कि इसकी कोई बेटी नहीं है। रोनी ने इस सीसीटीवी फुटेज चेक की और पता चलाया कि कार में नेहा के अलावा कोई और नहीं है। वो गुस्से से नेहा पर चीखता है जो उसे जाने को कहती है। अभी जाने ही वाला है कि उसने दीवार पर ऊंचाई की फरमाइश देखी, जिससे यह जाहिर होता है कि रिया एक हकीकी बच्चा हो सकती है और इससे अपने पर शक होने लगता है। लेकिन इसमें बहुत देर हो चुकी है। जब निया ने ग्रिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली, बेबसी महसूस कर ली क्योंकि कोई भी नहीं था इस पर यकीन किया जाता। आखिरकार उस्मान ने एतराफ़ किया कि जब वो रूनी को एक होटल में मिलने गया तो रिया को देखा था। इसने सनी को मनशात की तरसील के लिए बुलाया। जब इसने अपने आदमियों को रिया को आंखों पर पट्टी बांधकर एक अड्डे में ले जाते देखा, इसने उस्मान की मां रखने के लिए रकम अदा की। वो एक बार में जाते हैं। रूनी ने सनी का पीछा किया लेकिन LSD ने रूनी को पकड़ लिया, जिसे इसने होटल में इंतजार करने को कहा। पुलिस सनी से पूछ गछ करती है लेकिन अजय ने इससे एक गर्मा गर्म लम्हे में गोली मारकर हला कर दिया। रूनी का कहना है कि इसके पास इस बात का सबूत है कि रिया जिंदा है और वो उस्मान को अजय और LSD से मिलवाता है। अजय रूनी को अपने घर ले जाता है, इसे बताता है कि इसने अपने खानदान को एक हादसे में खो दिया है। इसी दौरान दो हमला आवरों ने उस्मान को बेदर्दी से मारा। रूनी वहां आता है, उस्मान को खून बह रहा होता है और दोनों हमला आवरों से लड़ता है। उस्मान जख्मों का ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। रूनी एक हमला आवर को खून लेता है और अजय के घर में ले गई अपनी एक तस्वीर देखता है, जिससे अंदाजा होता है कि अजय ही मास्टरमाइंड है। वो अपने फौजी अड्डे पर जाता है, जंगल में बहुत से गुंडों से अकेले लड़ता है, खून बहते हुए हेलीकॉप्टरों को तबाह करता है। रूनी एक ऐसे शख्स को मार डालता है जिसने रिया के वालिद के तौर पर काम किया था, लेकिन अजय ने इसे गोली मार दी, जिसने इनकशाफ किया कि शेखर रिया के अगवा का जिम्मेदार है। शेखर ने रिया की तमाम तस्वीर और खिलौने जला दी। रूनी ने अजय को बेदर्दी से मारा लेकिन जब अजय रूनी को मारने वाला है तो LSD ने अजय को गोली मारकर हला कर दिया। रूनी बेहोश होने से पहले रिया को देखता है। LSD बताता है कि शेखर जरासीम से पाक था, जिसने इससे ये सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया। इसका मतलब ये है कि रिया रूनी की बेटी है। रूनी को याद है जब नेहा ने इसे कहा कि इसे शेखर से शादी करनी है, इसने और नेहा ने मोहब्बत ख़त्म कर दी। आखिर में रूनी रिया को अपने घर ले जाता है और तसव्वुर करता है कि नेहा इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है, मुस्कुराते हुए वापस आ जाती है। तो यूँ इस फिल्म का इख्तिताम हो जाता है। यकीनन आपको ये मूवी पसंद आई होगी और इस मूवी ने बहुत अच्छा बिजनेस किया और स्टोरी भी अच्छी है, और वैसे भी हमने आपको एक मूवी सब स्टोरी बता दी। अगर आप 2.5 घंटे की मूवी देखेंगे, 2.5 घंटे के बाद आप सिर्फ स्टोरी ही जान पाएंगे। अगर आप ये हमारी 20 मिनट की या 15 मिनट की मूवी देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फिल्म में कौन क्या किरदार अदा कर रहे हैं, इस मूवी की स्टोरी क्या है। A to Z हमने सब मालूम दे दी, लेकिन आपको पसंद आई होगी। दोस्तों बागी एक 2018 की हिंदी जबान की एक रोमांटिक मार्शल आर्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसकी हिदायतकारी अहमद खान ने की। नाडिया वाला ग्रांड सेंट इंटरटेनमेंट के जरिए तैयार करदा ये बागी फिल्म सीरीज की दूसरी किस्त है। ये 2016 की फिल्म बागी का रूहानी स्क्वायर है और 2016 की तेलुगु फिल्म कशनम का रीमेक है। इसमें टाइगर श्रॉफ, देशा पडानी, मनोज वाजपेयी, दर्शन कुमार, प्रभु कुमार शामिल हैं। रणदीप हुड्डा, दीपक डोबरियाल और प्रिया शर्मा
शर्मा भी इस में मेन किरदार अदा करते आपको नजर आएंगे। और रणवीर नूरी प्रताप सिंह की कहानी सुनाता है एक हिंदुस्तानी फौजी अफसर जो गोवा में अपनी सबका गर्लफ्रेंड की 3 साल बेटी को अगवाकारों के जंगल से ढूंढने और बचाने के लिए निकला। अगस्त में फिल्म के लिए प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज 2017 और इसकी शूटिंग बम्बई पुणे शंघाई गोवा चीन मनाली और थाईलैंड में की गई के बजट के साथ ख़त्म हुई। बाशमूल प्रिंट और प्रमोशन के अखराज US$7.4 मिलियन यानी कि 590 मिलियन का खर्चा आया। बागी 302 मार्च यानी कि जो खर्चा आया बागी जो है ना 30 मार्च 2018 को दुनिया भर में रिलीज हुई जिसमें हिंदुस्तान में 3500 स्क्रीन शामिल है। फिल्म ने दुनिया भर में 2.58 बिलियन से ज़्यादा की कमाई करके 2018 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक बन गई। गाइस अगर इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है वो उसका नाम है अहमद खान। इस फिल्म को जिसने राइट किया है उसका नाम अहमद खान है। शान यादव है, अब्बास है, इसके साथ नीरज कुमार मिश्रा भी है। स्टोरी भाई ओरिजिनल स्टोरी जो है वो आदित्य सी की है। इसको फिर एडोप्ट स्टोरी साजिद नाडियावाला ने किया है। बेस्ड ऑन कशनाम 2016 और बाय रवि कथ पीडू। प्रोड्यूस्ड बाय साजिद नाडियावाला। स्टेरिंग इसमें जो मेन किरदार अदा करेंगे अब आपको टाइगर शरूफ, देशा पटानी, मनोज भोवी, दर्शन कुमार, प्रीतिक बाबूर, प्रदीप होडा, दीपिका नोबरवाल, अरुवा शर्मा। अगर सिनेमाग्राफी की बात कर ली जाए तो सिनेमाग्राफी जिसने की है उनका नाम है संथाना कृष्णा, रविच दंदर, एडिट बाय रमेश्वर एस भगत, म्यूजिक बाय जूलियस पैकलिन, सॉन्ग मिथुन आरकू, संदीप शिरकौर, नेक्स्ट गौरव रोशन, प्रिया रिया। प्रोड्यूस कंपनी नाडियावाला ग्रैंड सन इंटरटेनमेंट। यहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको यूट्यूब पे मूवी ये नहीं मिल रही देखने को तो आप यहाँ पर नाडियावाला ग्रैंड सन इंटरटेनमेंट सर्च करेंगे फिर उसके अंदर सर्च बार में जाकर आपने ही बागी टू सर्च करनी है तो ये मूवी आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। डिस्ट्रीब्यूट बाय फोक्स स्टार स्टूडियोज। यहाँ पर भी ये मूवी आपको देखने के लिए मिल सकती है। रिलीज इसकी डेट है 30 मार्च 2018। 137 मिनट की ये मूवी है यानी कि ये 2 घंटे और 17 मिनट की ये मूवी है। इसकी जो स्टोरी की जो लेंथ है वो 2 घंटे और 17 मिनट की है। भारत में इसको रिलीज किया गया, हिंदी जबान में इसको रिलीज किया गया। दोस्तों इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 59 करोड़ की लागत आई बट इसने बॉक्स ऑफिस में 258 करोड़ का कमाल का बिजनेस किया। गाइस अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट और स्पोर्ट कास्ट की बात करें तो टाइगर श्रॉफ एज अ लेफ्टिनेंट कैप्टन, रणवीर प्रताप सिंह के रोल में आपको नजर आएंगे, दिशा पटानी एज अ नेहा के रोल में आपको नजर आएंगी, मनोज बाजपाई एज अ क्रैप्ट डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अजय शेरजिल, नेक्स्ट रणदीप होडा एज अ एडिशनल कम्युनिकेशनर ऑफ पुलिस ऑफिसर लोहा, सिघा सिंह धुल LSD, नेक्स्ट दर्शन कुमार एज अ शेखर कुमार फिर में आपको नजर आएंगे, दोबरवाल एज अ उस्मान लनघाडा फिर के रोल में आपको नजर आएंगे, प्रीतिक बाबूर एज अ सन्नी कुमार फिर में आपको नजर आएंगे, अरवाया शर्मा एज अ रिहा प्रताप सिंह के रोल में आपको नजर आएंगे, शौर्या भद्राज एज अ लेफ्टिनेंट कोलेंट राजित सिंह वाला के रोल में आपको नजर आएंगे, विपिक शर्मा एज अ महेंद्रा रावत के रोल में आपको नजर आएंगे, सुनीत
मोरिटी एज अ इंस्पेक्टर शॉल्ड पुश अनीज एज अ स्कूल प्रिंसिपल के रोल में आपको नजर आएंगे। इन डेरियल भारती चारिया एज अ अनदीप तैगी इश्वान कुशाल एज अ बुंगलू ओनर जैकलीन एज अ मोहनी इन एटम सॉन्ग एक दो। गाइस अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हमें यही देखने को मिलेगा कि नेहा एक शादीशुदा खातून की एक बेटी है रिया जिससे वो बहुत प्यार करती है। रिया के स्कूल के पहले दिन नेहा पर निकाह पोश अफराद ने हमला किया। इसने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई ये कहते हुए कि लोग रिया को ले गए। पुलिस तफ्तीश करती है लेकिन कुछ पता नहीं चलता। इससे बेखौफ नेहा ने अपने सबक बॉयफ्रेंड नवीर जो कि सिपाही है माजी में रूनी ने नेहा से इनके कॉलेज के ज़माने में मुलाकात की और पहली नज़र एसएफ रूनी प्रताप सिंह से मदद तलब की जो एक इंडियन आर्मी पैरा में ही उनसे प्यार हो गया था। कुछ अरसे बाद इसे भी रूनी से प्यार हो गया। दोनों ने शादी करने का फैसला किया। तमाम इसके वालिद मनिंद्रा को कैंसर की तशखीस हुई और मरने से पहले नेहा से दरख्वास्त की कि वो एक अमीर ताजर शेखर से शादी कर ले। मनिंदर की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए नेहा ने रूनी से रोते हुए रिश्ता तोड़ दिया। इस वक्त रूनी एक खौफजदा नेहा से मिलता है और इसकी मदद करने पर राजी होता है। रूनी अब भी नेहा से मोहब्बत करता है लेकिन इस हकीकत से वाकिफ है कि नेहा शादीशुदा है। वो थाने पहुँच गए जहाँ FIR मुसनफ इंस्पेक्टर शरद ने नेहा के साथ बदतमीजी की। रूनी जवाबी कार्रवाई में इसे मारता है एक ऐसी कार्रवाई जिससे वो गिरफ्तार हो जाता है लेकिन इसे जल्द ही DIG की दरख्वास्त पर रिहा कर दिया गया। अजय रूनी की कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रंजीत कॉनेज मिट रूनी को रंजीत ने आड़े अड्डे पर वापस बुला लिया लेकिन एक मकामी जिस्मानी तौर पर मजदूर एजेंट उस्मान के साथ सफ़र करते हुए इसका जहन बदल जाता है जिसकी इसने मदद की थी और वो रिया के स्कूल जाता है। प्रिंसिपल ने स्कूल के हादसे में अगवा की किसी भी वारदात की तरदीद की। रूनी शेखर के भाई सनी से मिलता है जो एक मंशियात का आदि है और इसके पीछे एक इमारत में जाता है जहां इसे पता चलता है कि उस्मान मंशियात की फरोख में मुलव्वस है। इस अमल में रूनी दोनों लोगों से लड़ता और शिकस्त देता है। उस्मान से रिया के बारे में पूछता है लेकिन उस्मान को कुछ मालूम नहीं होता। दरअसल पुलिस कमिश्नर लोहा सिंह धोवाल LSD को इस केस की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शेखर रूनी से मिलता है और बताता है कि नेहा को पोस्ट ड्रोमेटिक स्ट्रेस डस और की तशीस हुई है थी और वो रिया की बेटी होने के बारे में खूब मचाने लगी थी जबकि इसने ये भी कहा कि इसकी कोई बेटी नहीं है। रूनी ने इस CCTV फुटेज चेक की और पता चलाया कि कार में नेहा के अलावा कोई और नहीं है। वो गुस्से से नेहा पर चीखता है जो उसे जाने को कहती है। अभी जाने ही वाला है कि उसने दीवार पर ऊंचाई की पैमाइश देखी जिससे ये जाहिर होता है कि रिया एक हकीकी बच्चा हो सकती है और इससे अपने पर शक होने लगता है लेकिन इसमें बहुत देर हो चुकी है। जब नेहा ने ग्रिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली बेबसी महसूस कर ली क्योंकि कोई भी नहीं था इस पर यकीन किया जाता। आखिरकार उस्मान ने एतराफ किया कि जब वो रूनी को एक होटल में मिलने गया तो रिया को देखा था। इसने सनी को मंशात की तरसील के लिए बुलाया जब इसने अपने आदमियों को रिया को आंखों पर पट्टी बांधकर एक अड्डे में ले जाते देखा। इसने उस्मान की मां रखने के लिए रकम अदा की तो एक बार में जाते हैं। रूनी ने सनी का पीछा किया लेकिन LSD ने रूनी को पकड़ लिया जिसे इसने होटल में इंतजार करने को कहा। पुलिस सनी से पूछ-गुछ करती है लेकिन अजय ने इससे एक गर्मा गर्म लम्हे में गोली मारकर हला कर दिया। रूनी का कहना है कि इसके पास इस बात का सबूत है कि रिया जिंदा है और वो उस्मान को अजय और LSD से मिलवाता है। अजय
रूनी को अपने घर ले जाता है। इसे बताता है कि इसने अपने खानदान को एक हादसे में खो दिया है। इसी दौरान दो हमला आवरों ने उस्मान को बेदर्दी से मारा। रूनी वहां आता है, उस्मान को खून बह रहा होता है और दोनों हमला आवरों से लड़ता है। उस्मान जख्मों का ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। रूनी एक हमला आवर को खून लेता है और अजय के घर में ले गई अपनी एक तस्वीर देखता है, जिससे अंदाजा होता है कि अजय ही मास्टरमाइंड है। वो अपने फौजी अड्डे पर जाता है, जंगल में बहुत से गुंडों से अकेले लड़ता है, खून बहते हुए हेलीकॉप्टरों को तबाह करता है। रूनी एक ऐसे शख्स को मार डालता है जिसने रिया के वालिद के तौर पर काम किया था, लेकिन अजय ने इसे गोली मार दी, जिसने इनकशाफ किया कि शेखर रिया के अगवा का जिम्मेदार है। शेखर ने रिया की तमाम तस्वीर और खिलौने जला दी। रूनी ने अजय को बेदर्दी से मारा, लेकिन जब अजय रूनी को मारने वाला है तो LSD ने अजय को गोली मारकर हला कर दिया। रूनी बेहोश होने से पहले रिया को देखता है। LSD बताता है कि शेखर जरासीम से पाक था, जिसने इससे ये सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया। इसका मतलब ये है कि रिया रूनी की बेटी है। रूनी को याद है जब निहा ने इसे कहा कि इसे शेखर से शादी करनी है, इसने और निहा ने मोहब्बत ख़त्म कर दी। आखिर में रूनी रिया को अपने घर ले जाता है और तसव्वुर करता है कि निहा इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है, मुस्कुराते हुए वापस आ जाती है। तो यूँ इस फिल्म का इख्तिताम हो जाता है। यकीनन आपको ये मूवी पसंद आई होगी और इस मूवी ने बहुत अच्छा बिजनेस किया और स्टोरी भी अच्छी है, और वैसे भी हमने आपको ए टू जेड सब स्टोरी बता दी। अगर आप 2.5 घंटे की मूवी देखेंगे, 2.5 घंटे के बाद आप सिर्फ स्टोरी ही जान पाएंगे। अगर आप ये हमारी 20 मिनट की या 15 मिनट की मूवी देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फिल्म में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है, इस मूवी की स्टोरी क्या है। ए टू जेड हमने सब मालूम दे दी, लेकिन आप पसंद आई होगी। दोस्तों, बागी एक 2018 की हिंदी जबान की एक रोमांटिक मार्शल आर्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसकी हिदायतकारी अहमद खान ने की है। नाडिया वाला ग्रैंडसन एंटरटेनमेंट के जरिए तैयार करदा ये बागी फिल्म सीरीज की दूसरी किस्त है। ये 2016 की फिल्म बागी का रूहानी स्क्वायर है। वो 2016 की तेलुगु फिल्म कशनम का रीमेक है। इसमें टाइगर श्रॉफ, देशा पडानी, मनोज वाजपेयी, दर्शन कुमार, प्रभु कुमार शामिल हैं। प्रदीप होडा, दीपक डोबरियाल और प्रिया शर्मा भी इसमें मेन किरदार अदा करते हैं, आपको नजर आएंगे। और रणवीर नूरी प्रताप सिंह की कहानी सुनाता है एक हिंदुस्तानी फौजी अफसर जो गोवा में अपनी सबका गर्लफ्रेंड की 3 साल बेटी को अगवाकारों के जंगल से ढूंढने और बचाने के लिए निकला। अगस्त में फिल्म के लिए प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज 2017 और इसकी शूटिंग बम्बई, पुणे, शंघाई, गोवा, चीन, मनाली और थाईलैंड में की गई के बजट के साथ ख़त्म हुई। बाशमूल प्रिंट और प्रमोशन के अखराज US$7.4 मिलियन यानी कि 590 मिलियन का खर्चा आया। बागी 302 मार्च यानी कि जो खर्चा आया, बागी जो है ना 30 मार्च 2018 को दुनिया भर में रिलीज हुई, जिसमें हिंदुस्तान में 3500 स्क्रीन शामिल है। फिल्म ने दुनिया भर में 2.58 बिलियन से ज़्यादा की कमाई करके 2018 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक बन गई। गाइस, अगर इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है वो उसका नाम है अहमद खान। इस फिल्म को जिसने राइट किया है उसका नाम अहमद खान है। शान यादव है, अब्बास है, इसके साथ नीरज कुमार मिश्रा भी है। स्टोरी भाई ओरिजिनल स्टोरी जो है वो अदिति सी की है। इसको फिर एडोप्ट स्टोरी साजिद नाडियावाला ने किया है। बेस्ड ऑन कशनाम 2016 और बाई रवि कथ पीडू। प्रोड्यूस्ड बाई साजिद नाडियावाला। स्टेरिंग इसमें जो मेन किरदार अदा करेंगे वो आपको
टाइगर श्रॉफ, दिशा पटानी, मनोज भोवी, दर्शन कुमार, प्रीतिक बाबूर, प्रदीप होडा, दीपिका नोबलवाल, अरुवा शर्मा। अगर सनोग्राफी की बात कर ली जाए तो सनोग्राफी जिसने की है उनका नाम है संथाना कृष्णा रविच नंदर, एडिट बाई रमेश्वर एस भगत, म्यूजिक बाई जूलिस पैकलिन, सॉन्ग मिथोन आरकू, संदीप शिरकौर, नेक्स्ट गौरव रोशन, प्रिया रिया, प्रोड्यूस कंपनी नाडीवाला ग्रैंड सन इंटरटेनमेंट। यहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको यूट्यूब पे मूवी ये नहीं मिल रही देखने को तो आप यहाँ पर नाडीवाला ग्रैंड सन इंटरटेनमेंट सर्च करेंगे, फिर उसके अंदर सर्च बार में जाकर आपने ही बागी टू सर्च करनी है तो ये मूवी आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। डिस्ट्रीब्यूट बाई फोक स्टार स्टूडियोज, यहाँ पर भी ये मूवी आपको देखने के लिए मिल सकती है। रिलीज इसकी डेट है 30 मार्च 2018। 137 मिनट की ये मूवी है, यानी कि ये 2 घंटे और 17 मिनट की ये मूवी है। इसकी जो स्टोरी की जो लेंथ है वो 2 घंटे और 17 मिनट की है। भारत में इसको रिलीज किया गया, हिंदी जबान में इसको रिलीज किया गया। दोस्तों इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 59 करोड़ की लागत आई, बट इसने बॉक्स ऑफिस में 258 करोड़ का कमाल का बिजनेस किया। गाइस अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट और स्पोर्ट कास्ट की बात करें तो टाइगर श्रॉफ एज अ लेफ्टिनेंट कैप्टन रणवीर, प्रताप सिंह के रोल में आपको नजर आएंगे, दिशा पटानी एज अ नेहा के रोल में आपको नजर आएंगी, मनोज बाजपाई एज अ करप्ट डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अजय शेरजिल, नेक्स्ट रणदीप होडा एज अ एडिशनल कम्युनिकेशनर ऑफ पुलिस ऑफिसर लोहा, सिघा सिंह धुल LSD, नेक्स्ट दर्शन कुमार एज अ शेखर कुमार फिर में आपको नजर आएंगे, डोबरवाल एज अ उस्मान लनघाडा के रोल में आपको नजर आएंगे, प्रीतिक बाबू एज अ सन्नी कुमार के रोल में आपको नजर आएंगे, अरवाया शर्मा एज अ रिहा, प्रताप सिंह के रोल में आपको नजर आएंगे, शौर्या भद्राज एज अ लेफ्टिनेंट कोलेंट राजित सिंह वाला के रोल में आपको नजर आएंगे, विपिक शर्मा एज अ महिंद्रा रावत के रोल में आपको नजर आएंगे, सुनीत मोरिटी एज अ इंस्पेक्टर शॉल्ट, पुष्य अनीज एज अ स्कूल प्रिंसिपल के रोल में आपको नजर आएंगे, इंडेरियल भारती चारिया एज अ अनदीप तैगी, इश्वान कुशाल एज अ बुंगलू ओनर, जैकलीन एज अ मोहनी इन एटम सॉन्ग 1-2। गाइस अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हमें यही देखने को मिलेगा कि नेहा एक शादीशुदा खातून की एक बेटी है रिया, जिससे वो बहुत प्यार करती है। रिया के स्कूल के पहले दिन नेहा पर निकाब पोश अफराद ने हमला किया, इसने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई ये कहते हुए कि लोग रिया को ले गए। पुलिस तफ्तीश करती है लेकिन कुछ पता नहीं चलता। इससे बेखौफ नेहा ने अपने सबक बॉयफ्रेंड नवीर जो कि सिपाही है, माजी में रूनी ने नेहा से इनके कॉलेज के ज़माने में मुलाकात की थी और पहली नज़र SF रूनी प्रताप सिंह से मदद तलब की, जो एक इंडियन आर्मी पैरा में ही उनसे प्यार हो गया था। कुछ अरसे बाद इसे भी रूनी से प्यार हो गया, दोनों ने शादी करने का फैसला किया। तब इसके वालिद मनिंद्रा को कैंसर की तशखीस हुई और मरने से पहले नेहा से दरख्वास्त की कि वो एक अमीर ताजर शेखर से शादी कर ले। मनिंद्र की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए नेहा ने रूनी से रोते हुए रिश्ता तोड़ दिया। इस वक्त रूनी एक खौफज़दा नेहा से मिलता है और इसकी मदद करने पर राजी होता है। रूनी अब भी नेहा से मोहब्बत करता है लेकिन इस हकीकत से वाकिफ है कि नेहा शादीशुदा है। वो थाने पहुँच गए जहाँ FIR मुसन्निफ इंस्पेक्टर शरद ने नेहा के साथ बदतमीजी की। रूनी जवाबी कार्रवाई में इसे मारता है।
एक ऐसी कार्रवाई जिससे वो गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन इसे जल्द ही डीआईजी की दरख्वास्त पर रिहा कर दिया गया। अजय रूनी की कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रंजीत कॉनेज मिट रूनी को रंजीत ने आड़े अड्डे पर वापस बुला लिया, लेकिन एक मकामी जिस्मानी तौर पर मजदूर एजेंट उस्मान के साथ सफ़र करते हुए इसका जहन बदल जाता है, जिसकी इसने मदद की थी, और वो रिहा के स्कूल जाता है। प्रिंसिपल ने स्कूल के हाथे में अगवा की किसी भी वारदात की तर्दीद की। रूनी शेखर के भाई सनी से मिलता है, जो एक मंशियात का आदी है, और इसके पीछे एक इमारत में जाता है जहां इसे पता चलता है कि उस्मान मंशियात की फरोख में मुलव्वस है। इस अमल में रूनी दोनों लोगों से लड़ता और शिकस्त देता है। उस्मान से रिया के बारे में पूछता है, लेकिन उस्मान को कुछ मालूम नहीं होता। दरअसल पुलिस कमिश्नर लोहा सिंह धोवाल LSD को इस केस की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शेखर रूनी से मिलता है और बताता है कि निहा को पोस्ट ड्रोमेटिक स्ट्रेस डस और की तशीस हुई है थी, और वो रिहा की बेटी होने के बारे में खूब मचाने लगी थी, जबकि इसने ये भी कहा कि इसकी कोई बेटी नहीं है। रूनी ने इस CCTV फुटेज चेक की और पता चलाया कि कार में निहा के अलावा कोई और नहीं है। वो गुस्से से निहा पर चीखता है, जो उसे जाने को कहती है। अभी जाने ही वाला है कि उसने दीवार पर ऊंचाई की पैमाइश देखी, जिससे यह जाहिर होता है कि रिया एक हकीकी बच्चा हो सकती है, और इससे अपने पर शक होने लगता है। लेकिन इसमें बहुत देर हो चुकी है। जब निया ने ग्रिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली, बेबसी महसूस कर ली, क्योंकि कोई भी नहीं था इस पर यकीन किया जाता। आखिरकार उस्मान ने एतराफ़ किया कि जब वो रूनी को एक होटल में मिलने गया तो रिया को देखा था। इसने सनी को मंशात की तरसील के लिए बुलाया, जब इसने अपने आदमियों को रिया को आंखों पर पट्टी बांधकर एक अड्डे में ले जाते देखा। इसने उस्मान की मां रखने के लिए रकम अदा की, तो एक बार में जाते हैं। रूनी ने सनी का पीछा किया, लेकिन LSD ने रूनी को पकड़ लिया, जिसे इसने होटल में इंतज़ार करने को कहा। पुलिस सनी से पूछ-गुछ करती है, लेकिन अजय ने इससे एक गर्मा गर्म लम्हे में गोली मारकर हला कर दिया। रूनी का कहना है कि इसके पास इस बात का सबूत है कि रिया जिंदा है, और वो उस्मान को अजय और LSD से मिलवाता है। अजय रूनी को अपने घर ले जाता है, इसे बताता है कि इसने अपने ख़ानदान को एक हादसे में खो दिया है। इसी दौरान दो हमला आवरों ने उस्मान को बेदर्दी से मारा। रूनी वहां आता है, उस्मान को खून बह रहा होता है और दोनों हमला आवरों से लड़ता है। उस्मान जख्मों का ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। रूनी एक हमला आवर को खून लेता है और अजय के घर में ले गई अपनी एक तस्वीर देखता है, जिससे अंदाज़ा होता है कि अजय ही मास्टरमाइंड है। वो अपने फौजी अड्डे पर जाता है, जंगल में बहुत से गुंडों से अकेले लड़ता है, खून बहते हुए हेलीकॉप्टरों को तबाह करता है। रूनी एक ऐसे शख्स को मार डालता है जिसने रिया के वालिद के तौर पर काम किया था, लेकिन अजय ने इसे गोली मार दी, जिसने इनकशाफ किया कि शेखर रिया के अगवा का जिम्मेदार है। शेखर ने रिया की तमाम तस्वीर और खिलौने जला दी। रूनी ने अजय को बेदर्दी से मारा, लेकिन जब अजय रूनी को मारने वाला है तो LSD ने अजय को गोली मारकर हला कर दिया। रूनी बेहोश होने से पहले रिया को देखता है। LSD बताता है कि शेखर जरासीम से पाक था, जिसने इससे ये सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया। इसका मतलब ये है कि रिया रूनी की बेटी है। रूनी को याद है जब निहा ने इसे कहा कि इसे शेखर से शादी करनी है, इसने और निहा ने मोहब्बत ख़त्म कर दी। आखिर में रूनी रिया को अपने घर ले जाता है और तस्वर करता है कि निहा इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है, मुस्कुराते हुए वापस आ जाती है।
तो यूँ इस फिल्म का इख्तिताम हो जाता है। यकीनन आपको ये मूवी पसंद आई होगी और इस मूवी ने बहुत अच्छा बिजनेस किया और स्टोरी भी अच्छी है। और वैसे भी हमने आपको एक मुझे सब स्टोरी बता दी। अगर आप 2.5 घंटे की मूवी देखेंगे, 2.5 घंटे के बाद आप सिर्फ स्टोरी ही जान पाएंगे। अगर आप ये हमारी 20 मिनट की या 15 मिनट की मूवी देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस फिल्म में कौन क्या किरदार अदा कर रहा है, इस मूवी की स्टोरी क्या है। ए टू जी हमने सब मालूम दे दी, लेकिन आपको पसंद आई होगी। दोस्तों बागी एक 2018 की हिंदी जबान की एक रोमांटिक मार्शल आर्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसकी हिदायतकारी अहमद खान ने की। नाडिया वाला ग्रैंडसन इंटरटेनमेंट के जरिए तैयार करदा ये बागी फिल्म सीरीज की दूसरी किस्त है। ये 2016 की फिल्म बागी का रूहानी स्क्वायर है और 2016 की तेलुगु फिल्म कशनम का रीमेक है। इसमें टाइगर श्रॉफ, देशा पडानी, मनोज वाजपेयी, दर्शन कुमार, प्रभु कुमार शामिल हैं। प्रदीप होडा, दीपक डोबरियाल और प्रिया शर्मा भी इसमें मेन किरदार अदा करते आपको नजर आएंगे। और रणवीर नूरी प्रताप सिंह की कहानी सुनाता है एक हिंदुस्तानी फौजी अफसर जो गोवा में अपनी सबका गर्लफ्रेंड की 3 साल बेटी को अगवाकारों के जंगल से ढूंढने और बचाने के लिए निकला। अगस्त में फिल्म के लिए प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज 2017 और इसकी शूटिंग बम्बई, पुणे, शंघाई, गोवा, चीन, मनाली और थाईलैंड में की गई के बजट के साथ ख़त्म हुई। बाशमूल प्रिंट और प्रमोशन के अखराज US$7.4 मिलियन यानी कि 590 मिलियन का खर्चा आया। बागी 302 मार्च यानी कि जो खर्चा आया, बागी जो है ना 30 मार्च 2018 को दुनिया भर में रिलीज हुई जिसमें हिंदुस्तान में 3500 स्क्रीन शामिल है। फिल्म ने दुनिया भर में 2.58 बिलियन से ज़्यादा की कमाई करके 2018 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक बन गई। गाइस अगर इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उसका नाम है अहमद खान। इस फिल्म को जिसने राइट किया है उसका नाम अहमद खान है। शान यादव है, अब्बास है, इसके साथ नीरज कुमार मिश्रा भी है। स्टोरी भाई ओरिजिनल स्टोरी जो है वो अदिति सी की है। इसको फिर एडोप्ट स्टोरी साजिद नाडियावाला ने किया है। बेस्ड ऑन कशनाम 2016 और बाई रवि कत पीडू। प्रोड्यूस्ड बाई साजिद नाडियावाला। स्टेरिंग इसमें जो मेन किरदार अदा करेंगे वो आपको टाइगर श्रॉफ, देशा पटानी, मनोज भोवी, दर्शन कुमार, ऋतिक बाबूर, प्रदीप होडा, दीपिका नोबरवाल, अरुवा शर्मा। अगर सिनेमाग्राफी की बात कर ली जाए तो सिनेमाग्राफी जिसने की है उनका नाम है संथाना कृष्णा, रविच नंदर, एडिट बाई रमेश्वर एस भगत, म्यूजिक बाई जूलिस पैकलिन, सॉन्ग मिथुन आरकू, संदीप शिरकौर, नेक्स्ट गौरव रोशन, प्रिया रिया। प्रोड्यूस कंपनी नाडियावाला ग्रैंड सन इंटरटेनमेंट। यहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको यूट्यूब पे मूवी ये नहीं मिल रही देखने को तो आप यहाँ पर नाडियावाला ग्रैंड सन इंटरटेनमेंट सर्च करेंगे, फिर उसके अंदर सर्च बार में जाकर आपने ही बागी 2 सर्च करनी है तो ये मूवी आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। डिस्ट्रीब्यूट बाई फोक स्टार स्टूडियोज, यहाँ पर भी ये मूवी आपको देखने के लिए मिल सकती है। रिलीज इसकी डेट है 30 मार्च 2018। 137 मिनट की ये मूवी है यानी कि ये 2 घंटे और 17 मिनट की ये मूवी है। इसकी जो स्टोरी की जो लेंथ है वो 2 घंटे और 17 मिनट की है। भारत में इसको रिलीज किया गया, हिंदी जबान में इसको रिलीज किया गया। दोस्तों इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 59 करोड़ की लागत आई, बट इसने बॉक्स ऑफिस में 258 करोड़ का कमाल का बिजनेस किया। गाइस अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट और स्पोर्ट कास्ट की बात करें तो टाइगर श्रॉफ एज अ लेफ्टिनेंट कैप्टन, रणवीर प्रताप सिंह
के रोल में आपको नजर आएंगे। दिशा पटानी एज अ नेहा के रोल में आपको नजर आएंगी। मनोज बाजपाई एज अ क्रैप्ट डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अजय शेरजिल। नेक्स्ट रणदीप होडा एज अ एडिशनल कम्युनिकेशनर ऑफ पुलिस ऑफिसर लोहा सिघा सिंह धुल LSD। नेक्स्ट दर्शान कुमार एज अ शेखर कुमार फिल्म में आपको नजर आएंगे। डोबरवाल एज अ उस्मान लनघाडा हीरो के रोल में आपको नजर आएंगे। प्रीतिक बाबू एज अ सन्नी कुमार के रोल में आपको नजर आएंगे। अरवाया शर्मा एज अ रिहा प्रताप सिंह के रोल में आपको नजर आएंगे। शौर्या भद्राज एज अ लोडिनेंट कोलेंट राजित सिंह वाला के रोल में आपको नजर आएंगे। विपिक शर्मा एज अ महिंद्रा रावत के रोल में आपको नजर आएंगे। सुनीत मोरिटी एज अ इंस्पेक्टर शर्ल्ड पुष्य अनीज एज अ स्कूल प्रिंसिपल के रोल में आपको नजर आएंगे। इन डेरियल भारती चारिया एज अ अनदीप तैगी इश्वान कुशाल एज अ बुंगलू ओनर जैकलीन एज अ मोहनी इन एटम सॉन्ग 1-2। गाइस अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हमें यही देखने को मिलेगा कि नेहा एक शादीशुदा खातून की एक बेटी है रिया जिससे वो बहुत प्यार करती है। रिया के स्कूल के पहले दिन नेहा पर निकाब पोश अफराद ने हमला किया। इसने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई ये कहते हुए कि लोग रिया को ले गए। पुलिस तफ्तीश करती है लेकिन कुछ पता नहीं चलता। इससे बेखौफ नेहा ने अपने साबिक बॉयफ्रेंड नवीर जो कि सिपाही है माजी में रूनी ने नेहा से इनके कॉलेज के ज़माने में मुलाकात की और पहली नज़र SF रूनी प्रताप सिंह से मदद तलब की जो एक इंडियन आर्मी पैरा में ही उनसे प्यार हो गया था। कुछ अरसे बाद इसे भी रूनी से प्यार हो गया। दोनों ने शादी करने का फैसला किया। तमाम इसके वालिद मनिंद्रा को कैंसर की तशखीस हुई और मरने से पहले नेहा से दरख्वास्त की कि वो एक अमीर ताजर शेखर से शादी कर ले। मनिंद्र की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए नेहा ने रूनी से रोते हुए रिश्ता तोड़ दिया। इस वक्त रूनी एक खौफजदा नेहा से मिलता है और इसकी मदद करने पर राजी होता है। रूनी अब भी नेहा से मोहब्बत करता है लेकिन इस हकीकत से वाकिफ है कि नेहा शादीशुदा है। वो थाने पहुँच गए जहाँ FIR मुसनफ इंस्पेक्टर शरद ने नेहा के साथ बदतमीजी की। रूनी जवाबी कार्रवाई में इसे मारता है एक ऐसी कार्रवाई जिससे वो गिरफ्तार हो जाता है लेकिन इसे जल्द ही DIG की दरख्वास्त पर रिहा कर दिया गया। अजय रूनी की कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रंजीत कॉनेज मिट रूनी को रंजीत ने आड़े अड्डे पर वापस बुला लिया लेकिन एक मकामी जिस्मानी तौर पर मौजूद एजेंट उस्मान के साथ सफ़र करते हुए इसका जहन बदल जाता है जिसकी इसने मदद की थी और वो रिया के स्कूल जाता है। प्रिंसिपल ने स्कूल के हाथे में अगवा की किसी भी वारदात की तरदीद की। रूनी शेखर के भाई सनी से मिलता है जो एक मंशियात का आदि है और इसके पीछे एक इमारत में जाता है जहां इसे पता चलता है कि उस्मान मंशियात की फरोख्त में मुलव्वस है। इस अमल में रूनी दोनों लोगों से लड़ता और शिकस्त देता है। उस्मान से रिया के बारे में पूछता है लेकिन उस्मान को कुछ मालूम नहीं होता। दरअसल पुलिस कमिश्नर लोहा सिंह धोवाल LSD को इस केस की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शेखर रूनी से मिलता है और बताता है कि नेहा को पोस्ट ड्रोमेटिक स्ट्रेस डस ऑड की तशीस हुई है थी और वो रिया की बेटी होने के बारे में खूब मचाने लगी थी जबकि इसने ये भी कहा कि इसकी कोई बेटी नहीं है। रूनी ने इस CCTV फुटेज चेक की और पता चलाया कि कार में नेहा के अलावा कोई और नहीं है। वो गुस्से से नेहा पर चीखता है जो उसे जाने को कहती है। अभी जाने ही वाला है कि उसने दीवार पर ऊंचाई की पैमाइश देखी जिससे यह जाहिर होता है कि रिया एक हकीकी बच्चा हो सकती है और इससे अपने पर शक होने लगता है।
लेकिन इसमें बहुत देर हो चुकी है जब निया ने ग्रिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। बेबसी महसूस कर ली क्योंकि कोई भी नहीं था इस पर यकीन किया जाता। आखिरकार उस्मान ने एतराफ़ किया कि जब वो रूनी को एक होटल में मिलने गया तो रिया को देखा था। इसने सनी को मनशात की तरसील के लिए बुलाया। जब इसने अपने आदमियों को रिया को आंखों पर पट्टी बांधकर एक अड्डे में ले जाते देखा, इसने उस्मान की मां रखने के लिए रकम अदा की। वो एक बार में जाते हैं। रूनी ने सनी का पीछा किया लेकिन LSD ने रूनी को पकड़ लिया जिसे इसने होटल में इंतजार करने को कहा। पुलिस सनी से पूछ गछ करती है लेकिन अजय ने इससे एक गर्मा गर्म लम्हे में गोली मारकर हला कर दिया। रूनी का कहना है कि इसके पास इस बात का सबूत है कि रिया जिंदा है और वो उस्मान को अजय और LSD से मिलवाता है। अजय रूनी को अपने घर ले जाता है, इसे बताता है कि इसने अपने खानदान को एक हादसे में खो दिया है। इसी दौरान दो हमला आवरों ने उस्मान को बेदर्दी से मारा। रूनी वहां आता है, उस्मान को खून बह रहा होता है और दोनों हमला आवरों से लड़ता है। उस्मान जख्मों का ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। रूनी एक हमला आवर को फोन लेता है और अजय के घर में ले गई अपनी एक तस्वीर देखता है जिससे अंदाजा होता है कि अजय ही मास्टरमाइंड है। वो अपने फौजी अड्डे पर जाता है, जंगल में बहुत से गुंडों से अकेले लड़ता है, खून बहते हुए हेलीकॉप्टरों को तबाह करता है। रूनी एक ऐसे शख्स को मार डालता है जिसने रिया के वालिद के तौर पर काम किया था लेकिन अजय ने इसे गोली मार दी जिसने इनकशाफ किया कि शेखर रिया के अगवा का जिम्मेदार है। शेखर ने रिया की तमाम तस्वीर और खिलौने जला दिए। रूनी ने अजय को बेदर्दी से मारा लेकिन जब अजय रूनी को मारने वाला है तो LSD ने अजय को गोली मारकर हला कर दिया। रूनी बेहोश होने से पहले रिया को देखता है। LSD बताता है कि शेखर जरासीम से पाक था जिसने इससे ये सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया। इसका मतलब ये है कि रिया रूनी की बेटी है। रूनी को याद है जब निया ने इसे कहा कि इसे शेखर से शादी करनी है, इसने और निया ने मोहब्बत ख़त्म कर दी। आखिर में रूनी रिया को अपने घर ले जाता है और तसव्वुर करता है कि निया इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है, मुस्कुराते हुए वापस आ जाती। तो यूँ इस फिल्म का इख्तिताम हो जाता है। यकीनन आपको ये मूवी पसंद आई होगी और इस मूवी ने बहुत अच्छा बिजनेस किया और स्टोरी भी अच्छी है और वैसे भी हमने आपको एक मुझे सब स्टोरी बता दी। अगर आप 2.5 घंटे की मूवी देखेंगे, 2.5 घंटे के बाद आप सिर्फ स्टोरी ही जान पाएंगे। अगर आप ये हमारी 20 मिनट की या 15 मिनट की मूवी देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस फिल्म में कौन क्या किरदार अदा कर रहे हैं, इस मूवी की स्टोरी क्या है। A to Z हमने सब मालूम दे दी, लेकिन आप पसंद आई होगी। दोस्तों बागी एक 2018 की हिंदी जबान की एक रोमांटिक मार्शल आर्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसकी हिदायतकारी अहमद खान ने की है। नाडिया वाला ग्रांड सेंड इंटरटेनमेंट के जरिए तैयार करदा ये बागी फिल्म सीरीज की दूसरी किस्त है। ये 2016 की फिल्म बागी का रूहानी स्क्वायर है और 2016 की तेलुगु फिल्म कशनम का रीमेक है। इसमें टाइगर श्रॉफ, देशा पडानी, मनोज वाजपेयी, दर्शन कुमार, प्रभु कुमार शामिल हैं। रणदीप हुड्डा, दीपक डोबरियाल और प्रिया शर्मा भी इसमें मेन किरदार अदा करते आपको नजर आएंगे। और रणवीर नूरी प्रताप सिंह की कहानी सुनाता है एक हिंदुस्तानी फौजी अफसर जो गोवा में अपनी सबका गर्लफ्रेंड की 3 साल बेटी को अगवाकारों के जंगल से ढूंढने और बचाने के लिए निकला। अगस्त में फिल्म के लिए प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज 2017 और इसकी शूटिंग बम्बई, पुणे, शंघाई, गोवा, चीन, मनाली और थाईलैंड में की गई के बजट के साथ ख़त्म हुई। बाशमूल प्रिंट और प्रमोशन के अखराज US$7.4 मिलियन यानी कि 590 मिलियन का खर्चा आया। बागी 302 मार्च यानी कि जो खर्चा आया
बागी जो है ना 30 मार्च 2018 को दुनिया भर में रिलीज हुई, जिसमें हिंदुस्तान में 3500 स्क्रीन शामिल है। फिल्म ने दुनिया भर में 2.58 बिलियन से ज़्यादा की कमाई करके 2018 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक बन गई। गाइस, अगर इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उसका नाम है अहमद खान, इस फिल्म को जिसने राइट किया है उसका नाम अहमद खान है, शान यादव है, अब्बास है, इसके साथ नीरज कुमार मिश्रा भी है। स्टोरी भाई ओरिजिनल स्टोरी जो है वो आदित्य सी की है, इसको फिर एडोप्ट स्टोरी साजिद नाडीवाला ने किया है। बेस्ड ऑन कशनाम 2016 और बाय रवि कत पीडू, प्रोड्यूस्ड बाय साजिद नाडीवाला। स्टेरिंग इसमें जो मेन किरदार अदा करेंगे अब आपको टाइगर शरूफ, देशा पटानी, मनोज भोवी, दर्शन कुमार, प्रीतिक बाबूर, प्रदीप होडा, दीपिका नोबरवाल, अरुवा शर्मा। अगर सिनेमाग्राफी की बात कर ली जाए तो सिनेमाग्राफी जिसने की है उनका नाम है संथाना कृष्णा, रविच दंदर, एडिट बाय रमेश्वर एस भगत, म्यूजिक बाय जूलियस एक्लिन, सॉन्ग मिथुन आरकू, संदीप शिरकौर, नेक्स्ट गौरव रोशन, प्रिया लिया, प्रोड्यूस कंपनी नाडीवाला ग्रैंड सन इंटरटेनमेंट। यहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको यूट्यूब पे मूवी ये नहीं मिल रही देखने को तो आप यहाँ पर नाडीवाला ग्रैंड सन इंटरटेनमेंट सर्च करेंगे, फिर उसके अंदर सर्च बार में जाकर आपने ही बागी टू सर्च करनी है तो ये मूवी आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। डिस्ट्रीब्यूट बाय फोक्स स्टार स्टूडियोज, यहाँ पर भी ये मूवी आपको देखने के लिए मिल सकती है। रिलीज इसकी डेट है 30 मार्च 2018। 137 मिनट की ये मूवी है, यानी कि ये 2 घंटे और 17 मिनट की ये मूवी है। इसकी जो स्टोरी की जो लेंथ है वो 2 घंटे और 17 मिनट की है। भारत में इसको रिलीज किया गया, हिंदी जबान में इसको रिलीज किया गया। दोस्तों इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 59 करोड़ की लागत आई, बट इसने बॉक्स ऑफिस में 258 करोड़ का कमाल का बिजनेस किया। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट और स्पोर्ट कास्ट की बात करें तो टाइगर श्रॉफ एज अ लेफ्टिनेंट कैप्टन, रणवीर प्रताप सिंह हीरो में आपको नजर आएंगे, दिशा पटानी एज अ नेहा हीरो में आपको नजर आएंगी, मनोज बाजपाई एज अ क्रैप्ट डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अजय शेरजिल, नेक्स्ट रणदीप होडा एज अ एडिशनल कम्युनिकेशनर ऑफ पुलिस ऑफिसर लोहा, सिघा सिंह धुल LSD, नेक्स्ट दर्शन कुमार एज अ शेखर कुमार फिर में आपको नजर आएंगे, दोबरवाल एज अ उस्मान लनघाडा हीरो के रोल में आपको नजर आएंगे, प्रीतिक बाबूर एज अ सन्नी कुमार के रोल में आपको नजर आएंगे, अरवाया शर्मा एज अ रिहा प्रताप सिंह के रोल में आपको नजर आएंगे, शुरविया भद्राज एज अ लोडिनेंट कोलेंट राजित सिंह वाला के रोल में आपको नजर आएंगे, विपिक शर्मा एज अ महेंद्रा रावत के रोल में आपको नजर आएंगे, सुनीत मोरिटी एज अ इंस्पेक्टर शॉल्ड, पुष्य अनीज एज अ स्कूल प्रिंसिपल के रोल में आपको नजर आएंगे, इंडेरियल भारती चारिया एज अ अनदीप तैगी, इशवान कुशाल एज अ बुंगलू ओनर, जैकलीन एज अ मोहनी इन एटम सॉन्ग 1-2। गाइस, अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हमें यह देखने को मिलेगा कि नेहा एक शादीशुदा खातून की एक बेटी है, रिया जिससे वो बहुत प्यार करती है। रिया के स्कूल के पहले दिन नेहा पर निकाब पोश अफराद ने हमला किया, इसने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई ये कहते हुए कि लोग रिया को ले गए। पुलिस तफ्तीश करती है लेकिन कुछ पता नहीं चलता।
इससे बेखौफ नेहा ने अपने साबिक बॉयफ्रेंड नवीर जो कि सिपाही है, माजी में रूनी ने नेहा से इनके कॉलेज के जमाने में मुलाकात की और पहली नज़र एसएफ रूनी प्रताप सिंह से मदद तलब की, जो एक इंडियन आर्मी पैरा में ही उनसे प्यार हो गया था। कुछ अरसे बाद इसे भी रूनी से प्यार हो गया, दोनों ने शादी करने का फैसला किया। तहम इसके वालिद मनिंद्रा को कैंसर की तशखीस हुई और मरने से पहले नेहा से दरख्वास्त की कि वो एक अमीर ताजर शेखर से शादी कर ले। मनिंद्र की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए नेहा ने रूनी से रोते हुए रिश्ता तोड़ दिया। इस वक्त रूनी एक खौफजदा नेहा से मिलता है और इसकी मदद करने पर राजी होता है। रूनी अब भी नेहा से मोहब्बत करता है, लेकिन इस हकीकत से वाकिफ है कि नेहा शादीशुदा है। वो थाने पहुंच गए जहां एफआईआर मुसन्निफ इंस्पेक्टर शरद ने नेहा के साथ बदतमीजी की। रूनी जवाबी कार्रवाई में इसे मारता है, एक ऐसी कार्रवाई जिससे वो गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन इसे जल्द ही डीआईजी की दरख्वास्त पर रिहा कर दिया गया। अजय रूनी की कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रंजीत कॉनेज मिट रूनी को रंजीत ने आड़े अड्डे पर वापस बुला लिया, लेकिन एक मकामी जिस्मानी तौर पर मौजूद एजेंट उस्मान के साथ सफ़र करते हुए इसका जहन बदल जाता है, जिसकी इसने मदद की थी और वो रिहा के स्कूल जाता है। प्रिंसिपल ने स्कूल के हादसे में अगवा की किसी भी वारदात की तरदीद की। रूनी शेखर के भाई सनी से मिलता है, जो एक मंशियात का आदी है, और इसके पीछे एक इमारत में जाता है जहां इसे पता चलता है कि उस्मान मंशियात की फरोख में मुलव्वस है। इस अमल में रूनी दोनों लोगों से लड़ता और शिकस्त देता है। उस्मान से रिया के बारे में पूछता है, लेकिन उस्मान को कुछ मालूम नहीं होता। दरअसल पुलिस कमिश्नर लोहा सिंह धोवाल LSD को इस केस की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शेखर रूनी से मिलता है और बताता है कि नेहा को पोस्ट ड्रोमेटिक स्ट्रेस डस और की तशीस हुई है थी और वो रिहा की बेटी होने के बारे में खूब मचाने लगी थी, जबकि इसने ये भी कहा कि इसकी कोई बेटी नहीं है। रूनी ने इस CCTV फुटेज चेक की और पता चलाया कि कार में नेहा के अलावा कोई और नहीं है। वो गुस्से से नेहा पर चीखता है, जो उसे जाने को कहती है। अभी जाने ही वाला है कि उसने दीवार पर ऊंचाई की पैमाइश देखी, जिससे ये जाहिर होता है कि रिया एक हकीकी बच्चा हो सकती है और इससे अपने पर शक होने लगता है। लेकिन इसमें बहुत देर हो चुकी है। जब नेहा ने ग्रिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली, बेबसी महसूस कर ली, क्योंकि कोई भी नहीं था इस पर यकीन किया जाता। आखिरकार उस्मान ने एतराफ किया कि जब वो रूनी को एक होटल में मिलने गया तो रिया को देखा था। इसने सनी को मंशात की तरसील के लिए बुलाया। जब इसने अपने आदमियों को रिया को आंखों पर पट्टी बांधकर एक अड्डे में ले जाते देखा, इसने उस्मान की माँ रखने के लिए रकम अदा की। वो एक बार में जाते हैं। रूनी ने सनी का पीछा किया, लेकिन LSD ने रूनी को पकड़ लिया, जिसे इसने होटल में इंतज़ार करने को कहा। पुलिस सनी से पूछ गछ करती है, लेकिन अजय ने इसे एक गर्मा गर्म लम्हे में गोली मारकर हला कर दिया। रूनी का कहना है कि इसके पास इस बात का सबूत है कि रिया जिंदा है और वो उस्मान को अजय और LSD से मिलवाता है। अजय रूनी को अपने घर ले जाता है, इसे बताता है कि इसने अपने ख़ानदान को एक हादसे में खो दिया है। इसी दौरान दो हमला आवरों ने उस्मान को बेदर्दी से मारा। रूनी वहां आता है, उस्मान को खून बह रहा होता है और दोनों हमला आवरों से लड़ता है। उस्मान जख्मों का ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। रूनी एक हमला आवर को फोन लेता है और अजय के घर में ले गई अपनी एक तस्वीर देखता है, जिससे अंदाजा होता है कि अजय ही मास्टरमाइंड है। वो अपने फौजी अड्डे पर जाता है, जंगल में बहुत से गुंडों से अकेले लड़ता है, खून बहते हुए हेलीकॉप्टरों को तबाह करता है। रूनी एक ऐसे शख्स को मार डालता है जिसने
रिया के वालिद के तौर पर काम किया था, लेकिन अजय ने इसे गोली मार दी, जिसने इनकशाफ किया कि शेखर रिया के अगवा का जिम्मेदार है। शेखर ने रिया की तमाम तस्वीर और खिलौने जला दिए। रूनी ने अजय को बेदर्दी से मारा, लेकिन जब अजय रूनी को मारने वाला है तो LSD ने अजय को गोली मारकर हला कर दिया। रूनी बेहोश होने से पहले रिया को देखता है। LSD बताता है कि शेखर जरासीम से पाक था, जिसने इससे ये सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया। इसका मतलब ये है कि रिया रूनी की बेटी है। रूनी को याद है जब निहा ने इसे कहा कि इसे शेखर से शादी करनी है, इसने और निहा ने मोहब्बत ख़त्म कर दी। आखिर में रूनी रिया को अपने घर ले जाता है और तसव्वुर करता है कि निहा इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है, मुस्कुराते हुए वापस आ जाती है। तो यूँ इस फिल्म का इख्तिताम हो जाता है। यकीनन आपको ये मूवी पसंद आई होगी और इस मूवी ने बहुत ही अच्छा बिजनेस किया और स्टोरी भी अच्छी है, और वैसे भी हमने आपको एक मूवी सब स्टोरी बता दी। अगर आप 2.5 घंटे की मूवी देखेंगे, 2.5 घंटे के बाद आप सिर्फ स्टोरी ही जान पाएंगे। अगर आप ये हमारी 20 मिनट की या 15 मिनट की मूवी देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इस फिल्म में कौन क्या किरदार अदा कर रहे हैं, इस मूवी की स्टोरी क्या है। 8 बजे से हमने सब मालूम दे दी, लेकिन आप पसंद आई होगी। दोस्तों, बागी एक 2018 की हिंदी जबान की एक रोमांटिक मार्शल आर्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म है। इसकी हिदायतकारी अहमद खान ने की है। नाडिया वाला ग्रांड सेंट इंटरटेनमेंट के जरिए तैयार करदा ये बागी फिल्म सीरीज की दूसरी किस्त है। ये 2016 की फिल्म बागी का रूहानी स्क्वायर है और 2016 की तेलुगु फिल्म कशनम का रीमेक है। इसमें टाइगर श्रॉफ, देशा पडानी, मनोज वाजपेयी, दर्शन कुमार, प्रभु कुमार शामिल हैं। प्रदीप होडा, दीपक डोबरियाल और प्रिया शर्मा भी इसमें मेन किरदार अदा करते आपको नजर आए। और रणवीर नूरी प्रताप सिंह की कहानी सुनाता है एक हिंदुस्तानी फौजी अफसर जो गोवा में अपनी सबका गर्लफ्रेंड की 3 साल बेटी को अगवाकारों के जंगल से ढूंढने और बचाने के लिए निकला। अगस्त में फिल्म के लिए प्रिंसिपल फोटोग्राफी का आगाज 2017 और इसकी शूटिंग बम्बई, पुणे, शंघाई, गोवा, चीन, मनाली और थाईलैंड में की गई के बजट के साथ ख़त्म हुई। बाशमूल प्रिंट और प्रमोशन के अखराजात US$7.4 मिलियन यानी कि 590 मिलियन का खर्चा आया। बागी 302 मार्च यानी कि जो खर्चा आया, बागी जो है ना 30 मार्च 2018 को दुनिया भर में रिलीज हुई, जिसमें हिंदुस्तान में 3500 स्क्रीन शामिल है। फिल्म ने दुनिया भर में 2.58 बिलियन से ज़्यादा की कमाई करके 2018 की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली बॉलीवुड फिल्मों में से एक बन गई। गाइस, अगर इस फिल्म के टेक्निकल डिपार्टमेंट की बात करें तो इस फिल्म को जिसने डायरेक्ट किया है उसका नाम है अहमद खान। इस फिल्म को जिसने राइट किया है उसका नाम अहमद खान है। शान यादव है, अब्बास है, इसके साथ नीरज कुमार मिश्रा भी हैं। स्टोरी भाई ओरिजिनल स्टोरी जो है वो अदिति सी की है। इसको फिर एडोप्ट स्टोरी साजिद नाडियावाला ने किया है। बेस्ड ऑन कशनाम 2016 और बाई रवि कत पीडू। प्रोड्यूस्ड बाई साजिद नाडियावाला। स्टेरिंग इसमें जो मेन किरदार अदा करेंगे अब आपको टाइगर श्रॉफ, देशा पटानी, मनोज भोवी, दर्शन कुमार, प्रीतिक बाबूर, प्रदीप होडा, दीपिका नोबरवाल, अरुवा शर्मा। अगर सिनेमेटोग्राफी की बात कर ली जाए तो सिनेमेटोग्राफी जिसने की है उनका नाम है संथाना कृष्णा, रविच दंदर, एडिट बाई रमेश्वर एस भगत, म्यूजिक बाई जूलिस पैकलिन, सॉन्ग मिथोन आरकू, संदीप शिरकोर, नेक्स्ट गौरव रोशन, प्रिया लिया। प्रोड्यूस कंपनी नाडियावाला,
ग्रैंड सन इंटरटेनमेंट, यहाँ पर ये मूवी आपको देखने को मिल जाएगी। अगर आपको यूट्यूब पे मूवी ये नहीं मिल रही देखने को, तो आप यहाँ पर नाडीवाला ग्रैंड सन इंटरटेनमेंट सर्च करेंगे, फिर उसके अंदर सर्च बार में जाकर आपने ही बागी टू सर्च करनी है, तो ये मूवी आपको वहाँ देखने को मिल जाएगी। डिस्ट्रीब्यूट बाई फोक स्टार स्टूडियोज, यहाँ पर भी ये मूवी आपको देखने के लिए मिल सकती है। रिलीज इसकी डेट है 30 मार्च 2018। 137 मिनट की ये मूवी है, यानी कि ये 2 घंटे और 17 मिनट की ये मूवी है। इसकी जो स्टोरी की जो लेंथ है वो 2 घंटे और 17 मिनट की है। भारत में इसको रिलीज किया गया, हिंदी जबान में इसको रिलीज किया गया। दोस्तों इस फिल्म के ऊपर जो लागत आई वो 59 करोड़ की लागत आई, बट इसने बॉक्स ऑफिस में 258 करोड़ का कमाल का बिजनेस किया। गाइस अगर इस फिल्म की स्टार कास्ट और स्पोर्ट कास्ट की बात करें तो टाइगर श्रॉफ एज अ लेफ्टिनेंट कैप्टन, रणवीर प्रताप सिंह हीरो में आपको नजर आएंगे, दिशा पटानी एज अ नेहा हीरो में आपको नजर आएंगी, मनोज बाजपाई एज अ क्रैप्ट डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस अजय शेरजिल, नेक्स्ट रणदीप हुड्डा एज अ एडिशनल कम्युनिकेशनर ऑफ पुलिस ऑफिसर लोहा, सिघा सिंह धुल एल एस डी, नेक्स्ट दर्शन कुमार एज अ शेखर कुमार फिल्म में आपको नजर आएंगे, दोबरवाल एज अ उस्मान लनघाडा हीरो के रोल में आपको नजर आएंगे, प्रीतिक बाबू एज अ सन्नी कुमार के रोल में आपको नजर आएंगे, अरवाया शर्मा एज अ रिहा प्रताप सिंह के रोल में आपको नजर आएंगे, शौर्या भद्राज एज अ लोडिनेंट कोलेंट राजित सिंह वाला के रोल में आपको नजर आएंगे, विपिक शर्मा एज अ महेंद्रा रावत के रोल में आपको नजर आएंगे, सुनीत मोरिटी एज अ इंस्पेक्टर शॉल्ट, पुष्य अनीज एज अ स्कूल प्रिंसिपल के रोल में आपको नजर आएंगे, इंडेरियल भारती चारिया एज अ अनदीप तैगी, इश्वान कुशाल एज अ बुंगलू ओनर, जैकलीन एज अ मोहनी इन एटम सॉन्ग 1-2। गाइस अगर इस फिल्म की स्टोरी लाइन पर नजर डालें तो हमें यही देखने को मिलेगा कि नेहा एक शादीशुदा खातून की एक बेटी है रिया, जिससे वो बहुत प्यार करती है। रिया के स्कूल के पहले दिन नेहा पर निकाब पोश अफराद ने हमला किया, इसने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई ये कहते हुए कि लोग रिया को ले गए। पुलिस तफ्तीश करती है लेकिन कुछ पता नहीं चलता। इससे बेखौफ नेहा ने अपने सबक बॉयफ्रेंड नवीर जो कि सिपाही है, माजी में रूनी ने नेहा से इनके कॉलेज के ज़माने में मुलाकात की और पहली नज़र एसएफ रूनी प्रताप सिंह से मदद तलब की, जो एक इंडियन आर्मी पैरा में ही उनसे प्यार हो गया था। कुछ अरसे बाद इसे भी रूनी से प्यार हो गया, दोनों ने शादी करने का फैसला किया। तब इसके वालिद मनिंद्रा को कैंसर की तशखीस हुई और मरने से पहले नेहा से दरख्वास्त की कि वो एक अमीर ताजर शेखर से शादी कर ले। मनिंदर की आखिरी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए नेहा ने रूनी से रोते हुए रिश्ता तोड़ दिया। इस वक्त रूनी एक खौफजदा नेहा से मिलता है और इसकी मदद करने पर राजी होता है। रूनी अब भी नेहा से मोहब्बत करता है लेकिन इस हकीकत से वाकिफ है कि नेहा शादीशुदा है। वो थाने पहुँच गए जहाँ FIR मुसनफ इंस्पेक्टर शरद ने नेहा के साथ बदतमीजी की। रूनी जवाबी कार्रवाई में इसे मारता है, एक ऐसी कार्रवाई जिससे वो गिरफ्तार हो जाता है, लेकिन इसे जल्द ही DIG की दरख्वास्त पर रिहा कर दिया गया। अजय रूनी की कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रंजीत कॉनेज मिट रूनी को रंजीत ने आड़े अड्डे पर वापस बुला लिया, लेकिन एक मकामी जिस्मानी तौर पर मजदूर एजेंट उस्मान के साथ सफ़र करते हुए इसका जहन बदल जाता है, जिसकी इसने मदद की थी और वो रिहा के स्कूल जाता है। प्रिंसिपल ने स्कूल के हाथे में अगवा की किसी भी वारदात की तरदीद की। रूनी शेखर के भाई सनी से मिलता है जो एक मंशियात का आदी है।
और इसके पीछे एक इमारत में जाता है जहां इसे पता चलता है कि उस्मान मंशा की फरोख्त में मुलव्वस है। इस अमल में रूनी दोनों लोगों से लड़ता और शिकस्त देता है। उस्मान से रिया के बारे में पूछता है लेकिन उस्मान को कुछ मालूम नहीं होता। दरअसल पुलिस कमिश्नर लोहा सिंह धोवाल LSD को इस केस की जिम्मेदारी सौंपी गई है। शेखर रूनी से मिलता है और बताता है कि निहा को पोस्ट ड्रोमेटिक स्ट्रेस डस ऑड की तशीस हुई है थी और वो रिया की बेटी होने के बारे में खूब मचाने लगी थी, जबकि इसने ये भी कहा कि इसकी कोई बेटी नहीं है। रूनी ने इस CCTV फुटेज चेक की और पता चलाया कि कार में निहा के अलावा कोई और नहीं है। वो गुस्से से निहा पर चीखता है जो उसे जाने को कहती है। अभी जाने ही वाला है कि उसने दीवार पर ऊंचाई की पैमाइश देखी जिससे यह जाहिर होता है कि रिया एक हकीकी बच्चा हो सकती है और इससे अपने पर शक होने लगता है। लेकिन इसमें बहुत देर हो चुकी है जब निया ने ग्रिल से छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। बेबसी महसूस कर ली क्योंकि कोई भी नहीं था इस पर यकीन किया जाता। आखिरकार उस्मान ने एतराफ़ किया कि जब वो रूनी को एक होटल में मिलने गया तो रिया को देखा था। इसने सनी को मनशात की तरसील के लिए बुलाया जब इसने अपने आदमियों को रिया को आंखों पर पट्टी बांधकर एक अड्डे में ले जाते देखा। इसने उस्मान की माँ रखने के लिए रकम अदा की। वो एक बार में जाते हैं। रूनी ने सनी का पीछा किया लेकिन LSD ने रूनी को पकड़ लिया जिसे इसने होटल में इंतजार करने को कहा। पुलिस सनी से पूछ गुछ करती है लेकिन अजय ने इससे एक गर्मा गर्म लम्हे में गोली मारकर हला कर दिया। रूनी का कहना है कि इसके पास इस बात का सबूत है कि रिया जिंदा है और वो उस्मान को अजय और LSD से मिलवाता है। अजय रूनी को अपने घर ले जाता है। इसे बताता है कि इसने अपने खानदान को एक हादसे में खो दिया है। इसी दौरान दो हमला आवरों ने उस्मान को बेदर्दी से मारा। रूनी वहां आता है। उस्मान को खून बह रहा होता है और दोनों हमला आवरों से लड़ता है। उस्मान जख्मों का ताब ना लाते हुए दम तोड़ गया। रूनी एक हमला आवर को फून लेता है और अजय के घर में ले गई अपनी एक तस्वीर देखता है जिससे अंदाजा होता है कि अजय ही मास्टरमाइंड है। वो अपने फौजी अड्डे पर जाता है। जंगल में बहुत से गुंडों से अकेले लड़ता है। खून बहते हुए हेलीकॉप्टरों को तबाह करता है। रूनी एक ऐसे शख्स को मार डालता है जिसने रिया के वालिद के तौर पर काम किया था लेकिन अजय ने इसे गोली मार दी जिसने इनकशाफ किया कि शेखर रिया के अगवा का जिम्मेदार है। शेखर ने रिया की तमाम तस्वीर और खिलौने जला दी। रूनी ने अजय को बेदर्दी से मारा लेकिन जब अजय रूनी को मारने वाला है तो LSD ने अजय को गोली मारकर हला कर दिया। रूनी बेहोश होने से पहले रिया को देखता है। LSD बताता है कि शेखर जरासीम से पाक था जिसने इससे ये सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया। इसका मतलब ये है कि रिया रूनी की बेटी है। रूनी को याद है जब निहा ने इसे कहा कि इसे शेखर से शादी करनी है। इसने और निहा ने मोहब्बत ख़त्म कर दी। आखिर में रूनी रिया को अपने घर ले जाता है और तसव्वुर करता है कि निहा इसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। मुस्कुराते हुए वापस आ जाती है। तो यूँ इस फिल्म का इख्तिताम हो जाता है। यकीनन आपको ये मूवी पसंद आई होगी और इस मूवी ने बहुत अच्छा बिजनेस किया और स्टोरी भी अच्छी है और वैसे भी हमने आपको A to Z सब स्टोरी बता दी। अगर आप 2.5 घंटे की मूवी देखेंगे 2.5 घंटे के बाद आप सिर्फ स्टोरी ही जान पाएंगे। अगर आप ये हमारी 20 मिनट की या 15 मिनट की मूवी देख लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि फिल्म में कौन क्या किरदार अदा कर रहे हैं, इस मूवी की स्टोरी क्या है। A to Z हमने सब मालूम दे दी लेकिन आप पसंद आई होगी।